जी नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन एकेडमी पर एक बार चेक कर लीजिए मेरी ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है या नहीं फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से चेक कर लीजिए मैं भी चेक कर लूँ एक बार ओके है चलो जल्दी से ठीक है और जितने भी बच्चे जो लाइव चल रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे ठीक है ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाख से चलो तो मतलब हम जो है यूट्यूब के माध्यम से सचिन सर जो है रोज जो है इस उसमें लगे होते हैं कि आपको ज्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प मिल सके आपके लिए क्या बेहतर किया जा सके जिससे आप जो है एग्जाम पास करने में बड़ी आसानी हो जाए तो आज जो आप देख रहे होंगे टॉपिक सी टेट सात जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम है और एन सी यानी कि ये तो हमें पता है कि हमारा सी का एग्जाम जो है वो एन से बाहर नहीं जाता एन से बाहर कभी गया ही नहीं और वहीं से जो है क्वेश्चन आता है तो एक ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जो टॉपिक वाइज जैसे मान लो मैं हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आज मैं आपको हिस्ट्री के पहला टॉपिक जो वोट वेयर हाउ एंड वेन पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन का और जो सिविक्स का पहला चैप्टर है यानी कि जिसे आप पॉलिटी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स उसका जो पहला चैप्टर है और दूसरा जो चैप्टर है सिक्स क्लास की मैं बात कर रहा हूं वो डाइवर्सिटी है तो पहली यूनिट में पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में दो चैप्टर हैं डाइवर्सिटी से रिलेटेड वो हमने एक ही जो है कंप्लीट भी कर लिया जो ऐप पे हमारे बच्चे हैं उन्होंने जो है वो टैपो का आपका कंप्लीट हो चुका है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ये ऐप के माध्यम से हमारा जो है बैच चल रहा है जिसकी जो है क्लासेज जो है चल रही हैं और इसमें हम लाइव क्लास सी टैट नोट्स रिकॉर्डेड वीडियोज़ सी टेट मोक टेस्ट आपके डाउट क्लासेज बायोलैंग होता है पी वाई क्यों सब कुछ जो है इसमें कवर कराते हैं ठीक अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम अपनी जो एनसीआर है हमारी जो एनसीआर है क्लास सिक्स की सिविक्स की नागरिक शास्त्र के ये फोटो आप देख रहे होंगे ये क्लास छः की जो है पाठ्य पुस्तक है जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ फर्स्ट वाली तो इसमें अगर मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट क्या बनता है डायवर्सिटी का अगर ये शायद आपको ना दिख रहा हो ये पहली यूनिट जो है वो की है और पहली युनिवर्... जो यूनिट है डायवर्सिटी उसमें दो चैप्टर है चैप्टर पहला और चैप्टर दोनों दोनों चैप्टर जो है डाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो आज हम सिविक्स के जो पहला चैप्टर है उससे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं सिक्स क्लास की डाइवर्सिटी से ठीक है और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके ऐसा पूछे भी गए हैं और एन से जो और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनकी हम डिस्कशन करने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं ये पहला क्वेश्चन देखिए जरा और राइट आंसर बताइए क्या है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता की एकता यानी कि आप बात कर रहे हो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का जो नारा है या विविधता में एकता का जो ये स्लोगन है ये किसने दिया है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का जो ये स्लोगन है ये नारा है तो किसने दिया है तो क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया गया है या बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने ये हमारे जो स्वतंत्र भारत आधुनिक राष्ट्र में जो है बड़ा योगदान है इनका हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी बड़ी फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यही जो है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बात करते हैं यानी कि जो स्लोगन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है तो आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया तो राइट आंसर क्या हुआ बी राइट आंसर हुआ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड है अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं अलग अलग भाषाओं के लोग हो सकते हैं अलग अलग जातियों के लोग हो सकते हैं अलग अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं अलग अलग ड्रेसिस वाले लोग हो सकते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं अलग अलग जो है किसी भी तरह की विविधता डाइवर्सिटी हो सकती है तो आपने कहा निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी यानी कि इनमें से अगर मैं बात करूं तो कौन सा आपको जो है दिखेगा कौन सा आपको ऐसा है कि डायवर्सिटी का जो है उदाहरण नहीं है बताइए जरा क्या आंसर होगा तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है यानी कि डायवर्सिटी एक ब्रॉड कंसेप्ट एक नैरोप्ट नहीं एक ब्रॉड कंसेप्ट है डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता लेकिन बहुत सारी जो है डिफ्रेंसेस होते हुए भी एक होना मान लो मैं हूँ और मेरे से मेरा कोई दोस्त है हम दोनों का नेचर अलग है हम दोनों की कल्चर अलग है हम दोनों की लैंग्वेज अलग है लेकिन अलग होने के बावजूद भी हम एक दूसरे की कल्चर एक दूसरे की भाषा एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करते हैं तो विविधता में यानी कि ऐसी डाइवर्सिटी जो हमारी यूनिटी को मजबूत करती है नहीं तो डाइवर्सिटी जो है यूनिटी के लिए खराब भी हो सकते हैं लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि भारत जो है विविधताओं वाला एकात्मक देश है या यूनिटी वाला देश है तो आपने कहा कौन सा उदाहरण नहीं माना जाता अगर बहुत सारी भाषाओं वाला समाज है तो बिल्कुल माना जाएगा अगर बहुत सारी जातियां हैं तो आप कह सकते हो धार्मिक बहुलवाद की अगर मैं बात करूं कि धार्मिक बहुलवाद क्या माना जाता है तो आपने कहा धार्मिक बहुल तो माना जा सकता है देखो ये जो कास्ट सिस्टम है समझना ध्यान से ये जो कास्ट सिस्टम है इसे जो है डाइवर्सिटी का उदाहरण नहीं माना जाता जो हमने कास्ट सिस्टम दिया है अलग अलग जातियों के लोग होना अलग बात है धार्मिक बहुलवाद की अगर मैं बात तो विविधता में शामिल नहीं किया जाता को। तो जो है इसका राइट आंसर होगा कास्ट सिस्टम ठीक है तो क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे तो इसका राइट right आंसर जो होगा कास्ट सिस्टम जो है इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां देखते हैं ये भारत है यहां राज्यों का अंदाजा आपका है जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर और जैसलमेर जो है यहां राजस्थान में लगभग लगभग समान रूप से आपको दिखेंगे जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में झांसी आपको यहां दिखाई देगा अगर हम यहां बात करें तो लगभग लगभग बराबर है लाहौर और लखनऊ लाहौर अगर आपको यहां दिखेगा तो लखनऊ जो है आपको यहां लिखेगा और तीसरा है दार्जिलिंग और कैम्पिलोंग यही जो है आसपास पड़ेगा दार्जिलिंग और कैम्पिलोंग तो क्या कह रहा किसी क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है उसको ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक जो है प्रभावित करते हैं पक्की बात है इतनी जो हिस्टोरिक फैक्टर है वो भी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो भी प्रभावित करते हैं तो इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है कौन सा युग्म जो है गलत है यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताइए जरा क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर जो है क्या होगा तो आपने कहा कि जोधपुर और जैसलमेर तो जोधपुर और जैसलमेर में तो सेम सेम मिलेगा ग्वालियर और झांसी ग्वालियर और झांसी में जो है सेम सेम मिलेगा यहाँ ग्वालियर यहाँ ग्वालियर हो गया यहाँ झांसी हो गया लाहौर और लखनऊ में जो है आपको अलग दिखाई देगा लाहौर और लखनऊ में चाहे ऐतिहासिक रूप से चाहे भौगोलिक रूप से अलग अलग जो है विविधता दिखाई देगी तो जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां देखते हैं कह रहा है कि अगर एक स्कूल में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है विविधता यानी कि डायवर्सिटी को शो करती है मान लो किसी स्कूल में जो है अगर मैं बात करूं ये तो आपको ओनम दिख रहा ओनम मनाते हुए स्कूल की मैडम है या टीचर है तो आप कह रहे कि हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन मनाया जा रहा ये कौन सी विविधता होगी भाई हरियाणा में तो हमेशा से मनाया जा रहा है हरियाणा का त्यौहार है अगर हरियाणा नहीं मनाएगा तो और कौन मनाएगा डाइवर्सिटी तो तब होती ना जब हम अपने से अलग होने के बावजूद भी इसे मना रहे हैं सम्मान दे रहे हैं उसे अपना स्वीकार कर रहे हैं तो आपने कहा अगर हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन मनाया जा रहा तो ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है जिसे फॉलो किया जा रहा आपने कहा मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम मनाया जा रहा ओणम मतलब दक्षिण भारत का एक त्यौहार उत्तर भारत के राज्य में मनाया जा रहा है यह अपने आप में डाइवर्सिटी की बात है यार मध्य प्रदेश में ओनम मनाया जा रहा यानी कि मध्य प्रदेश के स्कूल में अगर ओनम मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी विविधता का जो है सम्मान है तो ये बात बिल्कुल गजब है ये बात सही है तमिलनाडु के स्कूल में अगर पोंगल मनाया जा रहा है तो इसकी कौन सी बड़ी बात है जब वहां का फेस्टिवल है तो वहां तो मनाया ही जाएगा सवाल तो ये है ना कि जैसे मेरे घर में अगर दिवाली मन रही है और अगर मैं ईद का भी सम्मान कर रहा हूं या ईद वाले दीपावली का भी सम्मान कर रहे हैं तो डायवर्सिटी तो वो है ना विविधता तो वो है और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली मनाई जा रही है ये कौन सी बड़ी बात है ये तो हमेशा से खेली जा रही है होली खेल रहे रघुवीरा राम के समय से खेली जा रही है जी तो डाइवर्सिटी जो आपको दिखाई देगी वो मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम मनाए जाने से दिखाई देगी कि दक्षिण भारत का एक फेस्टिवल जो है उत्तर भारत के स्कूलों में मनाया जा रहा है तो ये आपकी डाइवर्सिटी को शो करता है यहां बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह का मतलब होता है मैंने मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा फिक्स कर लिया कि भैया वो तो ऐसे ही होते हैं तो मैंने अपनी जो है धारणा बिल्कुल फिक्स कर ली है मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं तो आपने कहा अगर मैं बात करूं कि प्रेजुडिस की तरफ जो है यानी कि अगर मैंने यह मान लिया कि यह ऐसा ही है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की उसे जानने की लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया कि भाई पूर्वाग्रह पाल लिया कि यार ये तो खराब ही होगा यार ये तो यही होगा तो अगर मैं यहां बात करूं कि 50 परसेंट से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं यह पूर्वाग्रह नहीं है यह सच्चाई है ठीक है तो पूर्व नहीं है ये ये सच्चाई है देश की आज भी अगर मैं बात करूं वो समय तो चला गया जब सत्तर पिचहत्तर परसेंट जो है गांव में रहती थी आज भी पचास परसेंट जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है शहरी जीवन खर्चीला बिल्कुल बात सही है खर्चीला है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है खर्चीला है ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जाहिर सी बात है वहां संसाधन गांव के मुकाबले महंगे भी होंगे क्योंकि वहां प्रोडक्शन तो होता नहीं है खाद्य पदार्थों का लेना पड़ेगा किराया होगा बिजली होगा पानी होगा तो जीवन तो खर्चीला होगा तो इसमें भी पूर्वाग्रह नहीं है कटाई के दिनों में अब कटाई चलने वाली है गाँव जो है खाली हो जाएंगे सब लोग जो है खेतों में दिखाई देंगे आपको तो कटाई के दिनों में गाँव के लोग बारह से चौदह घंटे जो है खेतों पर काम करते हैं तो ये भी पूर्वाग्रह नहीं है ये भी सच्चाई है लेकिन ये मैं बात करूं कि शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता गांव के लोगों ने एक भ्रम पाल लिया है कि शहरी लोग मतलब मक्कार भ्रष्टाचार बोरे उस्ताद हरामी और शहर के लोग बिल्कुल मतलब गांव के लोग बिल्कुल गाय बिल्कुल गाय कुछ नहीं जानते भोले भाले क्योंकि पहले पिक्चरों में भी ऐसे ही दिखाया जाता था कि हीरो जो है गया पोटली ले शहर में और जैसे ही शहर में गया उसकी पोटली ले भाग गए तो हमेशा जो है ये पूर्वाग्रह बनता चला गया कि शहर के लोग जो है क्या होते हैं मक्कार होते हैं चोर होते हैं करप्ट होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं लालची होते हैं तो आपने कहा ये पूर्वाग्रह पाल लिया है ये जो है पूर्वाग्रह पाल लिया है कि वो कि वो चालाक और भ्रष्ट होते हैं तो ये क्या है ये मेरे द्वारा पाला गया एक पूर्वाग्रह तो राइट आंसर क्या होगा इसका तो राइट आंसर होगा डी ठीक है राइट आंसर होगा डी चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो यहां निम्नलिखित का जो है मिलान करना मिलान करना है कि कौन सा जो है किस में है बताओ जरा इसका इंग्लिश वर्जन जो है अगले पेज पे होगा ठीक तो भाषाविद किसे बोलते हैं जो लिंग्विस्ट होता है उसे हम किसे बोलते हैं जो कई भाषाएं जानता है जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है उसे हम भाषाविद बोलते हैं क्या बोलते हैं भाषाविद और क्या बोलते हैं वर्णाकूलर अगर मैं वर्णाकूलर की बात करूं तो वर्णाकूलर में मैंने बताया था वर्णाकूलर प्रेस एक्ट याद रखो कई बार मैंने जो है बताया तो क्या होता है देसी भाषाओं से रिलेटेड होता है यानी कि स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है प्राच्यवादी की बात करें तो प्राच्यवादी का मतलब क्या होता है जो भारतीय भाषाओं में संस्कृति में उनका जो है ज्ञान रखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो प्राच्यवादी बोलते हैं तो प्राच्यवादी का मतलब हो गया जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखता और जो मुंशी हो गए मुंशी मुंशी भाई हमारा मुंशी हिसाब किताब लगाएगा तो उस समय मध्यकाल के आसपास जाएं तो मुंशी जो है अधिकतर जो है मुस्लिमों का शासन था वो चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल काल हो तो वहां क्या काम करते थे जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता था उसे मुंशी बोलते थे यानी कि ए में तीन है तो ए में तीन से ये तो खत्म हो गया ए में तीन यहां भी है और यहां भी है फिर मुंशी में जो है पहला है यानी कि बी में पहला तो राइट right आंसर क्या हो गया सी इज द राइट आंसर ठीक है कर रहे हो ना सही बिल्कुल हाँ ठीक है सी राइट आंसर है और सेशन को शेयर तो किया ही नहीं आप लोगों ने शेयर कर दो एक बार सेशन को यहां देखो वही क्वेश्चन है तो लिंग्विस्टिक क्या हो गया जो बहुत सारी जो है लैंग्वेज जानता है जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है मुंशी क्या होता है जो फारसी पढ़ सकता है लिख सकता है पढ़ा सकता है ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी कौन सा होता है जो अपने कल्चर के साथ रहता है वर्णाकुलर कौन सा होता है अच्छा यहां जो है थोड़ा सा गलत हो गया यह है लिंग्विस्टिक जो हु एंड सेवरल लैंग्वेज तो इसमें आ जाएगा ये और वर्णाकुलर में आ जाएगा ये तो ए में तीन यानी कि यह राइट आंसर बन रहा है यहां देखो यहां देखो आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण है आज के संदर्भ में जो उदाहरण दिया है यह भी अपने आप में बड़ा ही जो है ज्वलंत विषय है एक शाहरुख खान की मूवी देखिए आपने वो नाम बताता नाम तो मेरे याद नहीं है कि आई एम मतलब कुछ बताता मुस्लिम नाम था उसका कुछ मान लो आई एम जो है अब्दुल मान लो कि आई एम अब्दुल बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट तो यह भी एक पूर्वाग्रह है प्रेजुडिस है तो आपने कहा यहां देख लीजिए ये आपको दिख रही होगी एक हिजाब वाली लड़की कर्नाटक वाली घटना याद कीजिए कर्नाटक वाली घटना और कर्नाटक वाली घटना के बाद आप कभी सर्च मारना कि उसने फिर अपनी यूनिवर्सिटी टॉप की उस लड़की ने तो अगर हम यहां बात करें तो आपने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा बताओ जरा क्वेश्चन सा नंबर सात तो आपने कहा कि लोग जो है एक दूसरे को बराबरी या समान रूप से देख रहे हैं अगर समान रूप से देख रहे हैं तो ये प्रेजुडिस थोड़ी है ये पूर्वाग्रह थोड़ी है पूर्वाग्रह नहीं है लोग जो है अन्य लोगों को अन्य लोगों को जो है नकारात्मक रूप से देख रहे हैं आपने कहा लोग जो है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं ठीक पूर्वाग्रह की संकल्पना को चलो ये हो सकता है अगर मैं बात करूं तो यह हो सकता है इसे अभी जो है मतलब होल्ड पे छोड़ते हैं सातवें को जो है होल्ड पे छोड़ते हैं अभी यहां देखें लोग एक दूसरे का जो है सम्मान कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे का सम्मान कैसे कर रहे हैं भाई हमें तो समझ में नहीं आया कैसे सम्मान कर रहे हैं तो आपने कहा श्रेष्ठता और हीनता की भावना कि श्रेष्ठता और हीनता की भावना तो अगर मैं यहां बात कहूं तो आप ये कह सकते हो कि यार ये जो दो चीजें हैं ये जो है बड़े पैमाने पर आपको दिखाई दे रही है ये दो चीजें जो है आपको बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है तो पूर्वाग्रह में क्या है पूर्वाग्रह में जब है कि लोग जो है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं यह श्रेष्ठता और हीनता की भावना है कि भैया वो हीन है हम श्रेष्ठ है ये भी पूर्वाग्रह है यह भी पूर्वाग्रह है कि मैं चतुर्वेदी हूं मैंने चार वेद पढ़ रखे बाकी सब त्रिवेदी द्विवेदी सब बेकार है जी तो ये भी पूर्वाग्रह है तो आपने कहा लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं और श्रेष्ठता और हीनता की जो भावना है तो आप कह सकते हो यह इनका जो है सही आंसर होगा ठीक तो राइट आंसर कौन सा बनता है बी ओ डी आगे बढ़ते हैं तो कौन सा बन रहा है चलो सात का डी बहुत बढ़िया ये इंग्लिश में है वही है पीपल लुकिंग एट ईच अदर इक्वली गलत हो गया पीपल जो है जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली भी सही होगा पीपल रेस्पेक्ट ईच अदर नहीं होगा द फीलिंग ऑफ सुप्रियरिटी एंड इनफेरियरिटी ये भी होगा तो आपने कहा बी ओर डी जो है सही आंसर होगा ठीक है बी ओर डी जो है सही आंसर होगा यहां बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सा मूल्य है इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता डायवर्सिटी की बात हो रही है कि डायवर्सिटी के सम्प्रत्य को समझ लिया है बताओ जरा इनमें से कौन सा वर्णन अगर मैं राष्ट्रीय प्रतीक और इमारतों के प्रति आदर दर्शाऊं तो इससे कैसे पता चल रहा भाई विविधता का अगर मैं जो है राष्ट्रीय जो नेशनल सिंबल हैं उनके प्रति आदर दर्शा रहा हूं तो इससे डायवर्सिटी का कैसे पता चल रहा भाई नहीं पता चलता तो इससे तो डायवर्सिटी का पता चलता नहीं है देश की विभिन्न वेशभूषा शैलियों का ज्ञान होना चलो ज्ञान होना एक अलग बात है अगर मैं कहूं कि मुझे यह भी पता है पंजाब में क्या पहना जाता है जापान में सॉरी हरियाणा में क्या पहना जाता है यूपी में क्या पहना जाता है तमिलनाडु में क्या पहचाना जाता है तो ज्ञान होना एक अलग बात है तो आपने कहा यह भी नहीं है आपने कहा कि देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति सजगता दर्शाना सजगता दर्शाना यह भी नहीं दिखेगा और अगर विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों में काम धंधों में भाषा वालों लोगों के प्रति मेरे अंदर आदर है और मेरे अंदर उनकी प्रशंसा का भाव है इसलिए मैंने डायवर्सिटी को समझ लिया है भाषा अलग है लेकिन फिर भी मैं उनका आदर करता हूँ क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है विविधता में एकता है तो राइट आंसर क्या बनता है इसका डी बनता है कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया चलो जो बच्चे पूछ रहे हैं सर फर्स्ट पेपर के लिए सेकंड पेपर के लिए तो बच्चे ये एस एस टी चल रहा है टी टेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें एस एस टी आती है ठीक है हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी और पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसमें सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं तो ये सेकंड पेपर के लिए बताओ जरा कह रहे हैं कुछ तो कारण रहे होंगे जिसके कारण लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं और लद्दाख से जो है क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लद्दाख पिछले कुछ दिनों से बड़ा चर्चाओं में चल रहा है आपको पता है वहां सोनम वांगचुक ने जो है इक्कीस दिन का जो है अनशन किया है इक्कीस दिन तक उन्होंने जो है अनशन पर रहे हैं और अब जो है वहां महिलाएं कर रही हैं फिर दोबारा से वो अनशन पर बैठेंगे तो लद्दाख जो है कारण आजकल वर्तमान में जो है चर्चाओं में चल रहा है वो अलग बात है कि नेशनल मीडिया में नहीं चर्चाओं में है या नेशनल मीडिया में कहीं भी नहीं है वो गायब है पर चर्चाओं में है तो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है लद्दाख से तो कह रहे हैं कि लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है लद्दाख जी और लद्दाख का पर्यावरण जो है खराब होना वहाँ की जलवायु पिंगलना वहाँ के ग्लेशियर पिंगलना वो केवल लद्दाख के लिए नहीं है वो जम्मू कश्मीर में कि अगर के अगर लद्दाख के ग्लेशियर पिंगलते हैं तो वो दक्षिण भारत तक प्रभावित करेंगे पूरे भारत को प्रभावित करेंगे तो आपने भैया क्या कहा कि क्यों छोटा तिब्बत कहा जाता है ना कि अगर मैं कहूं कि भौगोलिक सामीप्य के कारण तो भौगोलिक सामीप्य के कारण अगर मैं पाकिस्तान के बराबर वाला जिला जो राजस्थान का जिला होगा तो उसे क्या हम जो है छोटा पाकिस्तान बोलेंगे जी या पाकिस्तान का जो जिला जो है जम्मू कश्मीर के बराबर में को होगा उसे हम छोटा जो है जम्मू कश्मीर बोलेंगे ऐसे नहीं बोलते जाहिर सी बात है कुछ और विशेषताएं दोनों की कॉमन होनी चाहिए वहाँ की लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए तो वहाँ भाषाई समानता है वहाँ जो दोनों जो है समान भोजन करते हैं वहाँ धार्मिक समानता दोनों बुद्धिस्ट हाँ आपको दिखाई देंगे तो इन तीनों विशेषताओं के होने के कारण उन दोनों की धार्मिक समानता लद्दाख की और तिब्बत की धार्मिक समानताएँ सेम होने के कारण उनका दोनों का समान भोजन होने के कारण समान भाषाएं होने के कारण उसे हम छोटा तिब्बत कहा जाते हैं तो राइट आंसर होगा बी सी डी कहाँ है बी सी डी बी सी डी ये रहा बी सी डी तो राइट आंसर होगा नो का बी ठीक है तो नो का आंसर होगा राइट बी आगे बढ़ते हैं यहां देखो एक असरसन है और एक रीजन है क्वेश्चन करते हैं असरसन क्या कहता है कि स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स डेट दे आर गुड एट तो जो रूढ़ीबद्ध धारणाएं होती हैं रूढ़ीबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं जिन में वे अच्छे अरे रूढ़ीवद धारणा में कह सकता हूं कि मान लो हम कहें कि एक लड़की जो है अच्छी बस चलाती है उसे पता है बस चलाती है लेकिन वो नहीं चला रही क्यों क्योंकि समाज ने जो है रूढ़ियां बांध दी है कि महिलाएं जो है लड़कियां बस चला नहीं सकते जैसे हम कहें कि मर्द को दर्द नहीं होता अब यहां दर्द हो रहा है यार रोने का मन कर रहा लेकिन रूढ़िया ऐसी तय कर दी कि भैया मर्द को दर्द नहीं होता कैसे रो यार हम समाज में रोज मेरा जैसा टीचर भी हम कई बार अपने बच्चे को कह देते हैं कि क्या यार लड़कियों की तरह रोता है यानी कि हमने मान लिया रूढ़ियां तय कर दी कि रोने का काम जो है लड़कियां हैं तो अगर हमने रूढ़ियां तय कर दी तो उसमें योग्यता होने के बावजूद भी उसमें एक झिझक होगी हेजिटेशन होगी वो योग्य होने के बाद भी उस काम को करने में झिझकेगी तो आपने ये कहा कि रूढ़ीबद्ध धारणाएं जो है लोगों को ऐसा काम करने से रोकती हैं जिसमें वे योग्य होते हैं या जिनमें वे अच्छा होते हैं तो ये बात तो उन्होंने सही कही तर्क क्या दे रहे तर्क क्या दे रहे कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, हमें है रहे रहे हैं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है बिल्कुल रोकती है यार हम कह रहे हैं कि ये लड़कियां हैं ये तो चूल्हा जो चूल्हा जो है चलाने के लिए पैदा हुई है खाना बनाने के लिए पैदा हुई है घर में काम को करने के लिए पैदा हुई है हम उनकी योग्यता को नहीं देख रहे तो रोकते हैं हम कहीं ना कहीं तो अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकते हैं उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ जाते हैं तो ये क्या है आपने कहा दोनों तो सही है और व्याख्या भी करना तो रूढ़िबद्ध धारणाएं उन्हें जो है ऐसा काम करने से रोकते हैं क्योंकि हम उनके कौशल को नहीं देख सकते देख ही नहीं पाते क्योंकि वही रूढ़ियों सदियों से चली आ रही परंपरा ने हमें जो है बता दिया कि ऐसा ही है तो ऐसा ही है हमने स्वीकार कर लिया कि ऐसा है तो ऐसा ही है ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां देखते हैं दो मौलिक अधिकार हैं अगर मैं बात करूं तो कोई दो मौलिक अधिकार है दो फंडामेंटल राइट right हैं जिनकी मांग पर हास्यकृत मार्जिनलाइज बोलते हैं इंग्लिश में ये मार्जिनलाइज हास्यकृत वो लोग होते हैं जो किसी भी कारण से राजनीतिक कारण से सामाजिक कारण से आर्थिक कारण से किसी भी कारण से जो है समाज में पिछड़े रह गए यानी कि उन पर जितना ध्यान दिया जाना था जितना बाकियों पर ध्यान दिया उतना ध्यान नहीं दिया तो वो हाशिए पर रह गए हाशिए का मतलब साइड में कर दिए गए सरकारों की ऐसी पॉलिसी रही किसी सरकार ने किसी को हास्य पे कर दिया किसी सरकार ने किसी को हास्य पे कर दिया तो हास्यकरण का मतलब क्या होता है और उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए तो कोई दो मूल अधिकार ऐसे हैं तो कौन से दो मूल अधिकार हैं जो ये बात करते हैं कि उनके साथ भी जो है होना चाहिए तो आपने कहा अगर समानता का अधिकार होगा यानी कि राइट टू इक्वलिटी होगी अगर राइट टू इक्वलिटी होगी सभी के साथ जो है कानून की नजर में सब बराबर होंगे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति हादसे पर नहीं जाएगा सबको विकास का बराबर मौका सबके लिए जो है समान जो है मतलब भाव होना चाहिए तो आप कहोगे समानता का अधिकार तो सबका साथ सबका विश्वास तो ये हो गया एक तो एक कह रहे हो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अगर हमने हर व्यक्ति को उसके कल्चरल राइट बनाने का अधिकार दे दिया अगर हमने हर व्यक्ति को जो है सांस्कृतिक अधिकार दे दिए तो कहीं ना कहीं जो है वो मार्जिनलाइज नहीं रहेगा आप कह रहे हो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो सब है होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार तो सबको होता है आप मैं कह रहा हूं किसी का भी शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार है अब सवाल ये है जब शोषण हो गया तो फिर क्या करना भाई अगर शोषण हो गया तो इसका मतलब तो वो हास्य रथ पर है ना तो ये नहीं है इसका तो आपने कहा ये तो है और दूसरा हम कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार तो स्वतंत्रता का अधिकार तो आपके कह रहे कि दो कौन से राइट है तो आपने कहा राइट वाला बनेगा ये तो समानता का अधिकार और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक होता है तो आर्टिकल चौदह से अठारह होता है आर्टिकल चौदह से अठारह तक और ये कहां से होता है आर्टिकल उनतीस और तीस होता है तो आर्टिकल उनतीस और तीस ये आपको छह मूल अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बताओ रोजी एक महिला है जो आप देख रहे हो कि रोजी की अगर मैं बात करूं तो रोजी एक नर्स के रूप में भी काम कर रही है ठीक और रोजी ने सॉरी रोजी ने एक महिला का जो है नर्स के रूप में चित्र बनाया और पुरुष का जो है इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया समझना ध्यान से रोजी जो है महिला का नर्स के रूप में चित्र बना रही है और पुरुष का जो है इंजीनियर के रूप में चित्र बना रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसके दिमाग में चल रहा कि नर्स तो यार महिला ही होती है उसके दिमाग में वही स्टीरियोटाइप जो है धारणाएं चल रही है वो जेंडरबद जेंडर मतलब महिलाएं घर का काम करेंगी पुरुष बाहर का काम करेगा महिलाएं मुलायम मतलब रोने वाली जल्दी से भावुक पुरुष मतलब कठोर पुरुष यानी कि इंजीनियर बनेगा पुलिस में जाएगा आर्मी में जाएगा जोखिम भरे काम करेगा महिला आराम के काम करेगी नर्स बनेगी और महिलाओं के काम नर्स बड़ा जो है आसान काम ये मतलब रूढ़ीबद्ध धारणाएं हैं जेंडर स्वीकार कर लिया है तो आपने कहा रोजी ने महिला का जो चित्र बनाया वो नर्स के रूप में बनाया पुरुष का जो है अभियंता के रूप में ही बनाया तो इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं जो है तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती सक्षम नहीं होते तो बताओ जरा ये रोजी का कथन जो है क्या चीज शो करता है आपको तो रोजी का कथन ये कहता है कि भैया यहां तो जेंडर स्टीरियोटाइप है यहां तो जेंडर स्टीरियो है यानी कि रूढ़ी बन चुकी है कि महिलाएं मतलब नर्स होंगी और जो है आप कहोगे कि पुरुष जो है साइंटिस्ट बनेंगे मतलब महिला साइंटिस्ट नहीं बनेगी तो ये जेंडर बेस रूढ़ी बन चुकी है तो राइट आंसर क्या होगा बी राइट आंसर होगा यहां बढ़ते हैं आगे देखो जरा ये गुड़िया दिख रही है ना लादो मेरी गुड़िया तो गुड़िया को देखो बचपन में लड़के तो खैर मैंने नहीं देखे लेकिन लड़कियां आप देखोगे मेरी भी छोटी बच्ची है तो वो भी एक गुड़िया लाती है कभी उसकी पोशाक उतारती है कभी उसके जो है अपनी मम्मी की बिंदी लगाती है सास रंजार करती है तो यहां वो देखो तो एक कक्षा गतिविधि के समय जो है शिक्षक ने हालांकि ये पेडोगोजी का क्वेश्चन है ये आ गया यहाँ डाइवर्सिटी से रिलेटेड है लेकिन ये पेडोगोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है पर कर लेते हैं एक कक्षा गतिविधि के दौरान यानी कि शिक्षा जो है क्लास में एक एक्टिविटी चल रही है टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि आदिवासियों जैसी दिखनी चाहिए तो एक गुड़िया का चयन करो अब अधिकांश विद्यार्थी जो है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई सिर पर मुकुट लगाए हुए नृत्य मुद्रे वाली गुड़िया उठा ली तो यह व्यवहार क्या दिखाता है क्या दिखाता है क्योंकि उन्होंने आदिवासी महिलाओं को ऐसे ही देखा रंग बिरंगी पोशाक यहां मुटुक लगा हुआ और ऐसे ऐसे डांस करती हुई देखी है उन्होंने तो ये क्या दिखाता है तो आपने कहा रूढ़ीवादिता को ही तो दिखाता है तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि रूढ़ीवादिता को दिखाता है क्योंकि हमने देखा ही है हमने हमेशा देखा फिल्मों में देखा है कि आते हैं भागे भागे जो है सिकंदर की तरह मिनी स्कर्ट जो है पहने रहते हैं हु हा 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 सांबा सांभा किसी के समझ में नहीं आती एक वो मूवी आई थी ना कांतारा कांतारा देखी थी आपने उसमें जो है अपने देव इष्ट के बारे में था कांतारा यानी कि जंगल बड़ी जो है पॉपुलर मूवी हुई थी एक बार कि अपने वनों के हालांकि जंगलों को बचाने का संदर्भ मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें हीरो ही जंगल काटने के चक्कर में लग रहा था तो अगर हम यहां बात करें तो एक किस चीज को दिखा रहा तो भैया ये स्टीरियो को दिखा रहा रूढ़ीवाधिता को दिखा रहा कि आदिवासी जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा रंग बिरंगी पोशाक पहनेंगी हमेशा डांस करती रहेंगी और सिर पर जो है मुकुट लगाएंगी सिर पर मुकुट लगाएंगी तो ये रूढ़ीवाधिता को दिखा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं पूर्वाग्रह की Osionfish. तो आपने कहा है किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है अगर मैं किसी के प्रति पूर्वाग्रह हूं तो जाहिर सी बात है उसे नकारात्मक रूप में देखूंगा ध्यान रखना अगर मैंने पूर्वाग्रह किसी के प्रति पाल लिया है अगर मैं वर्तमान सरकार में मान लो मैं, मैं वर्तमान सरकार को पसंद नहीं कर रहा मैं पूर्वाग्रह हूं मैं उसमें हर चीज नकारात्मक देख रहा हूं अगर जो है कोई दूसरा है तो मैं उसे नकारात्मक रूप में देख रहा हूं यानी कि जिसे मैं पसंद नहीं करता मेरा पूर्वग्रह है कि ये लोग अच्छे नहीं होते तो मैं उसमें नकारात्मक ही ढूंढूंगा नकारात्मक ही ढूंढूंगा नेगेटिवली ही ढूंढूंगा टू कंसिडर दुपेरियर उन्हें जो है उत्तम या श्रेष्ठ मानना ये तो गलत है श्रेष्ठ तो मानेंगे ही नहीं हम पूर्वग्रह हो ही नहीं सकता इस बात का पूर्वग्रह हो ही नहीं सकता कि वो मेरे से श्रेष्ठ है हो ही नहीं सकता हमेशा नीचे की बात करेगा नेगेटिव की बात करेगा जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना उनका अनादर करना तो ये भी सही है ये भी सही है और जो समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव करना ये बिल्कुल बात सही है कि समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव करना यानी कि यह भी बात सही होगी तो राइट आंसर क्या होगा तो आपने कहा ए सी डी ए सी डी जो है राइट आंसर होगा ठीक है तो ए सी डी जो है राइट आंसर होगा बी को हटा दो अब बी को हटाते ही अपने आप तीन ऑप्शन हट जाएंगे तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे यहां बात करते हैं बताओ जरा मिड डे मील की बात करते हैं जी मिड डे मील की बात करते हैं मध्यान्ह भोजन योजना तो मध्यान्ह भोजन योजना की हम बात करते हैं कि क्या है मध्यान्हन भोजन योजना तो आपने कहा कि मिड डे मील योजना में विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है बिल्कुल हो भी सकता है जब स्कूल में सबको जो है खाना मिलेगा मिड डे मील मिलेगा तो आप कहोगे भाई बात तो सही है कि मध्यान्हन भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगर पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिए तो सही विकल्प के चयन द्वारा जो है कथन को समझाइए सही विकल्प में देख लो एबीसी वाले तो नहीं है इसी तरह से हैं। तो सही विकल्प के चयन द्वारा जो है आपको बताना ठीक और सही विकल्प कैसे कैसे दे रखे ये और देख लो अच्छा इस तरह से दे रखे ठीक तो आपको बताना भोजन योजना एक तो पूर्वाग्रह को कम करने में हेल्प कर रही है और जो है सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे रही है है तो अगर जो है सारी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं तो बताओ इसमें क्या जातिगत पूर्वाग्रह कम नहीं होंगे अगर सारी जातियों के बच्चे आपस में एक साथ मिलकर खा रहे हैं तो क्या पूर्वाग्रह जो है धीरे धीरे कम नहीं होते चले जाएंगे मेलजोल बढ़ेगा सारी जातियों के बच्चों के साथ कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है ये पूर्वाग्रह को तोड़ रहा है ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात कर रहा है कि दलित महिलाएं जो है खाना बना रही हैं जहां जिस स्कूल में मिड डे मील में अलग अलग अपर निम्न सब जातियों के जो है बालक आ रहे हैं तो ये भी कह रहा है कि भैया ये भी पूर्वाग्रह की बात कर रहा है तोड़ने की बात स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है अगर ये गरीबों के बच्चे जो है प्रवेश ले रहे हैं तो ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहे हैं सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं कि गरीब के बच्चे को भी अब जो है शिक्षा मिल रही है तो यह भी आप कह सकते हो यह भी बात जो है सही है और स्कूल छोड़ने की दरों में जो है कमी आई है कमी आई है तो यह भी जो है राइट आंसर है यानी कि आप कहोगे सारे के सारे जो है सही आंसर है ए बी कहीं है ऐसा ए बी सी डी देखना हाँ ये ए बी सी डी ये तो सारे के सारे जो है सही है ए बी सी डी ये मार रहे हैं मिड डे मील ठीक है दाल चावल मार रहे हैं मिड डे मील का आनंद उठा रहे हैं क्लियर चलो आगे बढ़ जाए भाई चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड अब देखो हमारे क्वेश्चन किसके शुरू होने वाले हैं अब हम करेंगे क्लास सिक्स और क्लास सिक्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे किसके हिस्ट्री में और हमारी हिस्ट्री की ये जो पहली छठी क्लास की जो है बुक है अवर पास्ट फर्स्ट सातवीं भी यही है अवर पास्ट सेकंड आठवीं भी यही है अवर पास्ट थर्ड तो इसका पहला चैप्टर है वोट वेयर हाउ एंड वेन ये पहला चैप्टर आप देखोगे इंट्रोडक्शन वाला तो यही चैप्टर है हो सकता है ये जो है स्क्रीन लेकर फोटो लगाया तो ये आपको धुंधला आ रहा हो ये सही है ये की साइट पे यही डाउनलोड हो जाता है ये पीडीएफ डाउनलोड होती है तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है तो क्या कहा कैसे और जो है कब अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे पहले चैप्टर के यहां बताओ पहला चैप्टर तो हम विद क्वेश्चन कम से कम 80 क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन से पहले चैप्टर से रिलेटेड 80 क्वेश्चन कम से कम मैंने करवाए हैं ऐप में पहला चैप्टर कराने के बाद यहां हम बात करते हैं तो नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं दो कथन हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है पहली बात तो गलत इसे स्वीकार ही नहीं लिखी और उसमें जो है भारत को तीन भागों में बांट दिया कुल मिला के फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिमों में तो यह उपयुक्त नहीं है यह तो गलत हो गया तो ए तो गलत एक में ही होता है अगर आंसर तो हो गया पहला दूसरा लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की निश्चित तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है यह बिल्कुल सही है यह पक्की बात है कि इतनी सारी जो है एक निश्चित तो टाइम के अंतर्गत लाना सारी जो है प्रक्रिया को वो जो है बड़ा मुश्किल है उसमें समस्या आती है यह बात सही है तो आपने कहा डी राइट आंसर है डी आगे बढ़ेंगे यह इंग्लिश में दिया गया है यह इंग्लिश में जो कोई बड़ा क्वेश्चन होगा वो अलग अलग पेज पे दिखेगा जातक आप दिख रहे हो यह जातक यहां आपको दिख जाएगा जातक में नीचे दिख जाएगा कि ये बौद्ध धर्म के पिछले जन्मों की यानी कि पूर्व जन्मों की जो है कथा बताती है हमें जातक टेल्स तो जातक कथाएं हमें क्या बनती है तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताती है अब हम बात करते हैं जातक के बारे में जातक की रचना जो है सामान्य लोगों द्वारा की गई है तो बिल्कुल बात सही है बिल्कुल सही कह रहा जैन भिक्षुओं द्वारा लिखी गई है गलत बात है रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा गलत होगी भाई रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई है और इनका जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और संकलित किया गया है यह गलत हो गया इनकी रचना जो है जैन साधुओं ने गलत हो गया रचना तो सामान्य लोगों ने की है लिखा इन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने है और संकलन भी उन्होंने किया है तो जो जातक कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो सामान्य लोगों के द्वारा रची गई हैं लेकिन उन्हें लिखने का और कंपाइल करने का संकलन करने का काम जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया है बोध भिक्षुओं के द्वारा किया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा ठीक है तो दूसरे का आंसर क्या होगा 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 डी चलो ये वही है यहां बात करते हैं अभिलेखागार देखो आपने सुना गा, कारा ये सुना कारागार ना कारागार यानी कि आगार तो कुछ ना कुछ रखने की जगह होती है कुछ ना कुछ रखने की जगह होती है अभिलेख वगैरह रखेंगे देखो ये कहीं ना कहीं जो है आपको दिख रहे हैं अभिलेख हैं कोई हथियार रखने का शस्त्रागार होता है हथियार रखते हैं कोई पैसा रखने का होता है कोई जो है कोई वस्तु रखने का होता है कोई अन्न रखने के होते हैं अन्नागार सुने ना अपने हड़प्पा सभ्यता मा अन्नागार अन रखने के जो है स्थान तो ये अभिलेखागार क्या है तो अभिलेखागार जो है इसी बात है जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां होंगी यानी कि मेन्यू स्क्रिप्ट होंगी और जो डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें वहां रखा जाता है तो राइट आंसर क्या होगा तीन का ए फॉर एप्पल होगा ठीक है तीन का कौन सा आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड भाई बच्चो वेरी गुड चलो यहां बात करते हैं ये आपको दिख रहा है ये मेन्यूस्क्रिप्ट दिख रही है ये दिख रहा है ना ताड़ के पत्तों पर भूज वृक्ष के ताड़ के पत्तों पर बना हुआ और ये आपको किसी कठोर पत्थर वत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा सरफेस पर दिख रहा तो ये कहीं ना कहीं आपको मेन्यूस्क्रिप्ट दिख रही है और ये आपको इंस्क्रिप्शन अभिलेख दिख रहे हैं तो यहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई जो पांडुलिपि है यानी कि मेन्यूस्क्रिप्ट है और जो है अभिलेख है यानी कि इंस्क्रिप्शन है उस पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो कौन सा सही है तो कह रहे हैं जो पांडुलिपियां हैं वो प्राय ताड़ पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से बने तैयार ये बिल्कुल सही है और जो अभिलेख होता है वो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं ये भी बात सही है तो आपने कहा दोनों सही है ये भूर्ज वृक्ष की छाल जो मैंने एक जो ऐप वाले बच्चे हैं उन्हें छाल एक पेड़ की छाल दिखाई भी थी कैसे उतर रही थी वो और ये क्या है ये हार्ड सरफेस पर लिखा गया है किसी पे भी हो सकता है लकड़ी पे हो सकता है पत्थर पे हो सकता है दीवार पे हो सकता है मंदिरों की जो है मतलब किसी भी हार्ड चीज पे हो सकता है लकड़ी पे हो सकता है ये भी हार्ड चीज ही है ये भी हार्ड चीज़ है ठीक तो राइट आंसर क्या होगा ए और बी दोनों सही है तो राइट आंसर होगा चार का ए और बी दोनों सही है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यह इंग्लिश में हो जाएगा मैन्यू स्क्रिप्ट की बात कर रहा है और यहाँ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है यहां बात करो कह रहा है कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसे प्राचीन काल मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी है निम्नलिखित में से वो समस्या कौन सी है क्या समस्या हो सकती है बताओ जरा ये कह रहा जो ये तीन भागों में विभाजन हो रहा है वो भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता है तो अच्छी बात ये समस्या है समस्या कहाँ है ए जी अगर क्रमिक राज्यों की गति को दर्शा रहा है तो ये समस्या है कहाँ है? ये तो अच्छी बात है तो ये समस्या तो है नहीं तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है क्या ये बात सही है क्या तीनों काल में सच में जो है भारतीय इतिहास को वर्णित करने में समस्या आ रही है यह आसानी से हो गया तो आपने कहा हाँ ये कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ना ये पश्चिम से लिया गया कम बक तो ना उन्होंने बताया कि भैया जब हम आगे अंग्रेज तो मॉडर्न बन गया ये नहीं तो तम जो है बेकार ही थे तो मॉडर्न जो है तो ये जो कंसेप्ट है पश्चिम से लिया गया है जहां आधुनिक काल जो है विज्ञान तर्कना लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है तो क्या बात सही है क्या ये सारी चीज हमारे प्राचीन काल में नहीं थी क्या प्राचीन काल में विज्ञान नहीं था क्या प्राचीन काल में जो है रीजनिंग नहीं थी क्या प्राचीन काल में लोकतंत्र नहीं था लोकतंत्र नहीं था दुनिया का पहला गणराज्य हमने स्थापित किया वज्जी में हमने स्थापित किया और आप कह रहे हो कि आधुनिक काल की विशेषता है कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो पता नहीं कहां से बताया गया कि यूनानी भाषा का है उस उसमें भैया लोकतंत्र भारत में कूट कूट कर भरा है पूरा प्राचीन इतिहास उठा कर देख लो तो राइट आंसर क्या होगा ये होगा आगे बढ़ते हैं यही इंग्लिश में है यहां बात करते हैं प्रशस्ति के बारे में प्रशस्ति का मतलब क्या है किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ तो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ और अगर मान लो मैंने किसी की प्रशंसा में लिखा है तो जाहिर सी बात है कि मैं जो है अपने फायदे के लिए लिख रहा हूं उसे जो है राजा खुश हो जाए राजा मुझे इनाम दे जैसे एहोल अभिलेख है रवि कीर्ति ने एहोल अगर आप कर्नाटक में जाओगे तो एहोल अभिलेख दिखेगा ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एहोल अभिलेख का ही है ठीक है या आप जो है वहां देखे समुद्र गुप्त से रिलेटेड देखें वो प्रयाग प्रशस्ति तो प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ अब क्वेश्चन यहां पूछ रहा है गलत होना चाहिए उसके बारे में कौन सा गलत है तो आपने कहा कि राजा की प्रशंसा करने सही है और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी लोग या कवि या विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है ये कह रहे जनरली प्राय प्राय का मतलब होता है मैक्सिमम मामलों में याद रखना प्राय का मतलब होता है मैक्सिमम मामलों में राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे गलत बात है। मैक्सिमम मामलों में राजा इन्हें स्वयं नहीं लिखते थे ज्यादातर लिखने का काम कवि करते थे लेखक करते थे उनके दरबार में विद्वान करते थे वो करते थे तो ये जो है गलत हो गया यानी कि बी राइट आंसर होगा सात सात की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो जरा, क्या कह रहा ये एक चिड़िया का जो है चित्र दिखाई दे रहा आपको बताओ कह रहा कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है टीचर हैं हम हम टीचर लग गए हैं दिल्ली में जो है पढ़ा रहे हैं और हम जो है एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाने का काम करते हैं क्या काम करते हैं इंडियन हिस्ट्री प्राचीन काल पढ़ाते हैं ठीक है तो कह रहा है निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना जो है गलत होगा क्या प्राचीन काल में शिलालेख नहीं मिलते क्या प्राचीन काल में शिलालेख नहीं मिलते लघु चित्रकारी की बात नहीं कर रहा मैं क्या आप इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते क्या आप पढ़ते हो इंस्क्रिप्शन दुनिया भर की इंस्क्रिप्शन भरी पड़ी है एंशियंट हिस्ट्री में क्या आप हस्तलिपियां इंग्लिश में जाओ मेन्यू में में जाओ हस्तलिपियां हुई क्या आप नहीं पढ़ते इंसेंट काल में बिल्कुल पढ़ते हो क्या गुफा चित्रकारी अपने भीम बेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष मिले हैं और इसीलिए यूनेस्को ने उसे विश्व विरासत दर्जा दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या ये आप नहीं पढ़ते तो हम पढ़ते हैं लेकिन लघु चित्रकारी तो हम नहीं पढ़ते लघु चित्रकारी तो हम जाकर मध्यकाल में पढ़ते हैं तो लघु चित्रकारी की अगर आप देखोगे मिनिएचर पेंटिंग तो एंसियंट काल में नहीं पढ़ते हम हम जाके कहा पढ़ते हैं हम जाकर पढ़ते हैं मध्यकाल में और ये जो पक्षियों के चित्र बन रहे हैं मंसूर नाम सुना है आपने मंसूर जो है पक्षियों के उस्ताद थे ठीक तो मिनिएचर पेंटिंग जो है मध्यकाल में जाकर पढ़ते हैं यहां देखो जेम्स मिल ये क्वेश्चन तो 2024 में ही पूछा गया है जेम्स मिल वाला ये अंग्रेज है भैया जेम्स मिल इन्होंने 1817 में एक पुस्तक लिखी क्या पुस्तक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ए का मतलब यहाँ आप कह सकते हो आर्टिकल है हिस्ट्री से पहले लगा तो एक नहीं आएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने तीन भागों में प्रकाशित की यह बात बिल्कुल सही है ये बात सही है कि जेम्स मिल ने अठारह में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय सॉरी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक तीन भागों में बांटी और उन्होंने भारत का विभाजन तीन हिस्सों में किया कि प्राचीन काल में हिंदू शासन कर रहे थे तो हिंदू काल हो गए मध्य काल में मुस्लिम कर रहे थे तो मध्य काल हो गया और यहां जो है आधुनिक काल में अंग्रेज थे तो ब्रिटिश काल हो गया तो उन्होंने कहा इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन कालों में बांटा प्राचीन मध्य गलत उन्होंने बांटा हिंदू में मुस्लिम में मुस्लिम में और ब्रिटिश में इन्होंने इसमें बांटा ठीक है तो इसमें नहीं बांटा था तो ये बात गलत हो गई तो आपने कहा केवल एक सही है कहां है ए सही है ए सही है बट बी इज गलत ठीक है ए सही है बस बट बी इज गलत कितना बढ़िया सेंटेंस बना बट बी इज गलत चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए आपको कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन पढ़ना एसरसन और रीजन के हैं आजकल जो है ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं तो कह रहा जो सोशल साइंस है एस एस टी की बात कर रहा भाई ये तो पैडागोजी का क्वेश्चन है तो सोशल साइंस हैज है स्ट्रॉन्ग कोरेशन विद आर्ट बिल्कुल पक्की बात है भाई पक्की बात है भैया आर्ट मानवी की ह्यूमेनिटी सब्जेक्ट बोलते हो आप ह्यूमेजम सब्जेक्ट तो आप बोलते हो कि जो सामाजिक विज्ञान का जो है कला के साथ जो है परस्पर मजबूत संबंध है भाई बहुत बढ़िया कोरिलेशन है बढ़िया कोरिलेशन है आपने कहा कि मजबूत जो है संबंध माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि जो है चाहे वो चित्रकला पेंटिंग हो चाहे जो है स्कल्पचर मूर्ति कला हो प्राग ऐतिहासिक शिल्पकृतियां हो इत्यादि जो है सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य और प्रमाण को जो है निरूपित करती हैं तो राइट आंसर और ये क्या है सब ये सब आर्ट ही तो हैं चित्रकला मूर्ति कला शिल्पकृति ये सब क्या है आर्ट है एस एस टी का जो है आर्ट से मजबूत संबंध है तो दोनों जो है सही हैं और उसकी जो है व्याख्या करते हैं यानी कि आर जो है एक की सही व्याख्या करती है सही एक्सप्लेनेशन करती है आजकल ज्यादातर आंसर ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो इन्हें जो है ध्यान से समझना ध्यान से यही आपको सी टेट पास कराएंगे मेन्यू स्क्रिप्ट यह देख लो मेन्यू स्क्रिप्ट मेन्यू स्क्रिप्ट जो है लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें जो मेनू शब्द है मेनू शब्द का जो है अर्थ पूछ रहा मेनू शब्द का जो है अर्थ क्या है बताओ जरा स्क्रिप्ट ये अगर मैं बात करूं ये शब्द आ रहा यानी कि दो शब्द आपको मेनू प्लस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ठीक ये स्क्रिप्ट क्या होता है लिखा हुआ और मेनू क्या मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ तो आपने कहा क्या हाथ हो तो गया हाथ ये हस्त होगा हस्त ठीक हस्त है ये हस्त तो मेन्यू का मतलब हो गया जो है हाथ ठीक है तो मेन्यू का मतलब क्या होगा तो आपने कहा हाथ जो है हो गया चलो जी तो हैंड जो है राइट आंसर होगा यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि ये मेन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ये मेन्यूस्क्रिप्ट है ये भूर्ज वृक्ष की छाल से जो है बनाया और उस पर जो है लिखा और ऐसे कंपाइल कर दिया जैसे आज स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना ऐसे कंपाइल कर दिया तो क्या कह रहे हैं हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है गलत छांटना भाई आपको ये जनरली जो है ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी ये तो सही है ठीक जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य सोर्स है क्या ये बात सही है जी अगर मैं बी की बात करूं तो यह क्या सही है कि जिस काल को प्रदर्शित करती है उसी काल का जो है मुख्य सोर्स है यह गलत है क्योंकि मेन्यू जो है आप देखते हो यह बाद में भी मुद्रित की गई थी ये बाद में मुद्रित की गई थी तो ये बात गलत है हां ये उसे छोड़ दो अभी ये हस्तलिखित है और उनके बाद जो है मुद्रित यानी कि प्रिंटेड की, की गई हो यह भी बात सही है कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर भी उकेरी गई हैं ये भी सही है लेकिन ये बात सही नहीं है ये बात सही नहीं है कि जिस काल को शो करती हैं उसी काल का जो है मुख्य सोर्स है भाई ये तो बाद में भी जो है प्रिंटेड हुई हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस काल के बारे में है ये बात गलत है तो आपने कहा हाथ से लिखी गई थी लेकिन प्रिंटेड जो है बाद में भी हुई है तो जिस काल में दिखती है उस काल का मुख्य सोर्स है यह बात जो है गलत हो जाएगी ठीक यहां बात करते हैं कॉमन एरा क्या है बताओ जरा कॉमन एरा क्या है यह है ईसा मसीह यह ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ है ईसा मसीह का कब माना गया है जीरो एडी में माना गया इससे इधर जाएंगे तो हम एडी है और इससे इधर जाएंगे तो बीसी है ठीक है तो कॉमन एरा की बात कर रहा तो भी बोलते हैं तो अगर मैं की बात करूं, तो ये आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय कोई बात ही नहीं है कॉमन एरा की तो यह ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है ये भैया एक क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत हो चुका है तो ये क्रिश्चन एरा है ठीक है तो क्या है ये क्रिश्चन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत हो चुका है तो कॉमन एरा क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं यहां देखो कह रहा इन नाविकों में से किसने जो है भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर ये देश दिख रहे हो आपको कौन सा देश है ये आपको दिख रहा है स्पेन देश अगर मैं बात करूं यहां यहां स्पेन देश दिख रहा है स्पेन और यहां से ये कोई बंदा जा रहा है यह ये कोई बंदा जा रहा यहां और यहां कोई बंदा जा रहा और फिर यह वापिस आ रहा यानी कि यह अटलांटिक महासागर है तो अटलांटिक महासागर को पार करने का यहां आपको पनामा नहर दिखाई देगी पनामा नहर दुनिया की सबसे खूबसूरत नहर दिखाई देगी भाई साहब पनामा नहर आप यूट्यूब पर कभी देखना जबरदस्त है पनामा नहर तो आप कह रहे हो स्पेन से और कौन गया अगर मैं बात करूं चौदह सौ बानवे में आप कहोगे वास्को डी गामा भी तो गया था वास्को डीमा ने पार नहीं करा था वो तो ऐसे ऐसे अफ्रीका के नजदीक नजदीक जाकर चला गया था और यहाँ भारत पहुंच गया था तो वास्को डी गामा नहीं गया था ये चौदह सो बानवे में, में जो है कोलंबस जा रहे तो अटलांटिक महासागर को पार करके वो जो है अमेरिका पहुंचा और उसने सोचा मैं भारत आ गया कि ये भारत का ही भाग है इसीलिए उसने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा था रेड इंडियन तो ये सेंट कोलंबस की बात है जो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जो है अमेरिका गया था तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है पार किया था वास्को डी गामा तो यहां इसे अटलांटिक महासागर से होता होता इसके सहारे होता होता जो है पहुंच गया था केप ऑफ गुड़ होफ होते होते जो है कालीकट यानी कि भारत पहुंचा था तो पार किसने किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस यहां बात करते हैं जी जैन शास्त्रों की बात कर रहा हूं यानी कि कुल मिलाकर जैन ग्रंथों की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है जैन टेक्स्ट की बात कर रहा है जैन ग्रंथों की बात कर रहा क्या कह रहा जैन ग्रंथों में यह कह रहा है कि जो भगवान महावीर स्वामी थे जो चौबीसवें तीर्थंकर थे उनके जो मूल प्रिंसिपल थे वो जो है पूर्व ग्रंथ पूर्व ग्रंथ है ये पूर्व है पूर्व ग्रंथ भगवती सूत्र भगवती सूत्र का नाम आपने सुना है जी भगवती सूत्र जो है एक जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें सोलह महाजनपदों की जानकारी मिलते हैं तो कह रहे हैं जो महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत है वो कुल मिलाकर चौदह ग्रंथों में जो है संकलित हैं चौदह ग्रंथों में संकलित हैं जिन्हें जो है भगवती सूत्र में भी एक है जिनमें ये बात सही है ये सही है जैन ग्रंथ में जो है सोलह महाजनपदों का उल्लेख है ये बात सही है भगवती सूत्र में जो है सोलह महाजनपदों का उल्लेख है और जैन जितने भी ग्रंथ है छठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगीति हुई थी दूसरी जैन संगीति तो छठी शताब्दी में गुजरात वल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई थी जिसमें जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उन्हें सब कंपाइल किया गया था संकलित किया गया था तो ये बात सही है ये कह रहा जो जैन ग्रंथ है वो भारतीय इतिहास के मध्यकाल पर प्रकाश डालते हैं ये बात गलत है ये प्राचीन काल पर डालते हैं मध्य काल नहीं चल रहा था तब प्राचीन काल चल रहा था तो एंसेंट काल चल रहा था तो गलत की जो बात कर रहे हैं वो गलत जो आंसर है वो डी है ठीक है गलत आंसर क्या है डी है भैया गलत आंसर जो है डी है चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे ठीक तो हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद जो है अमित सर आपसे जुड़ जाएंगे तो जैसे वो कनेक्ट करते हैं ना तो हो सकता है कि जो वीडियो ब्रेक हो जाती है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना बैक जाके दोबारा से आ जाना तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद जो है अमित सर आपसे जुड़ेंगे कह रहा जो इतिहास विभाजन का जो सोर्स के आधार पर सोर्स के आधार पर तो सोर्स के आधार पर सही कालक्रम तो आपने कहा सोर्स यहां क्या सोर्स मिलेगा तो आपने कहा यहां जो सोर्स मिलेगा वो आर्कियोलॉजिकल मिलेगा यानी कि पुरातत्व तो सोर्स मिलेगा तो आर्कियोलॉजिकल अगर आप देखें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेंगे यहां क्या मिलेंगे मिलेंगे तो दोनों लेकिन लिटरेचर वाले जो है पढ़े नहीं गए हैं ये जो है पढ़े नहीं गए ये पढ़े नहीं गए और यहां क्या मिलेगा यहां सब मिलेगा तो अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल पाषाण काल जो है इसी में आता है स्टोन एज जो है इसी में आता है कैलकोलिथिक इसी में आती है हड़प्पा सभ्यता इसी में आती है और फिर जो है वैदिक हालांकि वैदिक सभ्यता अगर आप एनसीआर पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता को यहां दिखाते हैं और आगे जब चल के जो है कंपिटेटिव किताब पढ़ोगे तो वैदिक काल को आपको आद ऐतिहासिक काल में दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि यह बात सही है कि वेदों का मतलब जो वैदिक काल है उसमें जो है हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तो लिखे हुए साक्ष्य हैं लेकिन वो कहते हैं वेदों को लिखा तो बाद में गया लगभग पैंतीस सौ बीसी में लिखा गया उन्हें तो वो ये बात कह रहे हैं तो ऐतिहासिक काल जो है पहले आता है आद ऐतिहासिक काल जो है फिर उसके बाद में आता है और फिर ऐतिहासिक काल जो है उसके बाद में आता है ठीक है ऐतिहासिक काल जो है उसके बाद में आता है ठीक तो ये हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे आज हमने अपने एन सी आर टी सिक्स क्लास के हिस्ट्री और सिविक्स के पहले चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं तो इसी तरह से हम अपनी क्लास किया करेंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल और काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपको बड़ी मदद मिलेगी तो अब जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे अमित सर तो अमित सर के साथ आप जुड़िए जल्दी ही अमित सर आपसे जुड़ते हैं बच्चों ठीक है नमस्कार भाई सभी को तो जुड़ जाइए सभी साथी फटाफट से जल्दी से आ जाइए प्रणाम सभी को राम राम नमस्ते कैसे हो आप सब तो जल्दी से आ जाइए क्लास आपकी लाइव है फटाफट से फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास के साथ तो जल्दी से बताइए और जल्दी से आप सभी साथी क्लास में आ जाइए तो फिर शुरुआत करेंगे हम एक बेहतरीन सी क्लास के साथ जल्दी जल्दी आइए कौन कौन साथी क्लास में जुड़ चुका है जल्दी से एक बारी सभी साथी आ जाइएगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को राम राम नमस्ते तो आप जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी और ये जो हमारी सीरीज अब चल रही है ये डेली चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कराएंगे यानी पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लेके चलेंगे एक दिन में एक चैप्टर हम कराने वाले हैं जैसा कि आज आप मेरे पीछे देख रहे हो आज जो आपकी 6th क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अर्थ इन सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में पृथ्वी ये आपके सामने यहां सौर मंडल दिख रहा है और इसमें हमारी पृथ्वी कहां है तो ये रही सौर मंडल में हमारी पृथ्वी नीला ग्रह ये रहा अब इस पृथ्वी सौर मंडल में पृथ्वी से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं यानी पी प्लस एमसी हम दोनों को ही यहां कराने वाले बहुत जबरदस्त तरीके से ठीक है भाई तो जल्दी से आइए फटाफट से आ जाइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल तो देखिए क्या कह रहा है इसमें भाई ध्यान रखना एमसी भी है और पीवाई क्यू भी है फिर से बता रहा हूं मैं एमसी क्यू प्लस पीवाई क्यू दोनों है पहला चैप्टर होगा अर्थ इन सोलर सिस्टम अब कल की जो क्लास होगी कल की क्लास में आपको अगला चैप्टर पढ़ के आना है कौन सा अर्थ वाला जो चैप्टर है ग्लोब वाला जो चैप्टर है ठीक है वो कल की क्लास में अभी बताए दे रहा हूं वो पढ़ के आना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लेते हैं पहला सवाल देखिए पहला सवाल सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है क्वेश्चन का टेंशन ना लें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस यहां देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हां भाई सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखिए साहब कौन सा सही है ध्यान से समझो देखो एक बात बता रहा हूं सीटेट के लिए जो मेरे साथी जो बैच लिए हैं उनका तो खैर कोई बात नहीं जिन्होंने बैच नहीं भी लिया है ना वो भी यहां से अगर ये क्लास डेली करते हैं ना तो भी भाई उनका भी काम हो जाएगा नब्बे प्लस लाने की गारंटी है ठीक है और इवन ये बता रहा हूं केवल यूट्यूब की क्लास से ही ना कुछ छूटेगा नहीं आपके पेपर में गारंटीड चलो भाई तो देखो सौर मंडल के बारे में पढ़ो सूर्य आठ ग्रह और उनके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं सूर्य आठ ग्रह और उनके ग्रह सौर मंडल बनाते हैं आगे सूर्य आठ ग्रह उपग्रह क्षुद्र और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं आगे समझिए है। सूर्य दस ग्रह तो बेटा दस ग्रह तो नहीं होते ग्रह तो आठ ही हैं तो ये वाला गलत सूर्य और सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं तो भाई सौर मंडल का निर्माण कौन कौन करता है सौर मंडल का निर्माण सूर्य आठ ग्रह उपग्रह क्षुद्र और उल्का मिलकर मंडल का निर्माण करते हैं तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है देखिए कहां है दिखाई देते हैं इसी में देख लो सूर्य ग्रह क्षुद्र ग्रह ये छोटे छोटे ये देखो उल्का पिंड और ये क्षुद्र ग्रह पेटी ये इसी को तो बोलते हैं एस्टोरॉइड बेल्ट अरे क्षुद्र ग्रह पेटी क्षुद्र ग्रह पेटी एस्टोरॉइड बेल्ट ये इसके आसपास जो आप देख रहे हो छोटे मोटे उल्का पिंड दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी के आसपास ये चंद्रमा घूमता नजर आ रहा है ये चंद्रमा क्या है पृथ्वी का उपग्रह है तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं सौर मंडल बनाते हैं अगला सवाल देखिए असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं असंख्य छोटे छोटे पिंड है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और भैया मंगल और बृहस्पति यानी मंगल बोले तो मार्स बृहस्पति बोले तो जुपिटर की कक्षा के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं उपग्रह है, धूमकेतु उल्कापिंड पिंड या क्षुद्र ग्रह जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट से वॉइस कम है भैया अपना थोड़ा सा मोबाइल की बढ़ा लो वॉइस कम है तो वैसे मेरी तरफ से तो बढ़िया जा रही है वॉइस जल्दी से बाकी आप बताइए जल्दी से बताइए भाई फटाफट से समझ आ रहा है बढ़िया से जल्दी बताइए क्लियर है कहानी यहां तक क्लियर है चलिए तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो देखो इसे आओ ये देखो जरा मंगल मंगल और बृहस्पति मंगल की ऑर्बिट देखो ये रही ये जा रहा है, ये है मंगल का रास्ता बृहस्पति का रास्ता ये रहे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम एस्टोरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह तो यहां राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा क्षुद्र ग्रह ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा क्षुद्र ग्रह ठीक है उसके बाद देखिए फटाफट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है हाँ भाई पृथ्वी के बारे में आप इनमें से क्या नहीं कह सकते हो पहला देखिए यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है बिल्कुल अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी आपको कुछ इस तरह से दिखा नजर आती है ये ऐसे गोल नहीं है पृथ्वी ऐसे है जैसे कद्दू बिल्कुल ऐसे मानो जैसे कद्दू की तरह यहां से थोड़ा सा चपटी है और इधर थोड़ा फैली हुई है कैसे बिल्कुल वैसे ही समझो अगर कोई मिठाई की दुकान पे जब एक लाला जी बैठे होते हैं तो वो यहां बीच में से फैल जाते हैं और सर के ऊपर से और पैरों की तरफ से थोड़ा पिचक जाते हैं यहां से फैल जाते हैं बिल्कुल वैसी ही पृथ्वी है ठीक है तो ये बिल्कुल वैसी ही है कद्दू देखा है अपने कद्दू के टाइप की है बिल्कुल ठीक है भैया तो ये क्या नहीं कह सकते वो पूछ रहा है क्या नहीं कह सकते यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है बिल्कुल सही है ये तो ये तो कह सकते हैं पृथ्वी के बारे में इसके बीच में उभार होता है बिल्कुल यहां से ऐसे उभरी हुई है भैया पेट लाला जी का फैला हुआ है है ना अच्छा बिल्कुल सही बात है इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि बेटा इस पृथ्वी पर अगर बात करूं तो इसके लगभग 71% परसेंट एरिया पर जल है वाटर है तो इसके कारण जब हम इसे आसमान से देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है इसलिए इसे नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है तो ये बात भी कह सकते हैं यह पूर्णतः गोल है बस यही नहीं कह सकते यही गलत है भैया पूरी तरह से गोल नहीं है कद्दू के जैसी है ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला सवाल पृथ्वी दिन कहलाता है यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पृथ्वी दिन क्या कहलाता है ऑप्शन आपके सामने है कितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है उसे पृथ्वी दिन कहेंगे ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय या ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लिया गया समय तो जल्दी से बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का जल्दी से बताइए फटाफट से एक सेकंड भाई एक सेकंड अरे बढ़िया तो चल रही है क्लास पागल क्यों बना रहे हो फालतू में है ना तो जल्दी से बताइए चल रही है भाई क्लास कौन कह रहा है क्लास बंद हो गई हाँ भाई एक बार बताना क्लास प्रॉपर बढ़िया से चल रही है ना कमेंट करके बताओ चल तो रही है यार क्लास हाँ भाई जल्दी से कमेंट करिए हाँ भाई क्लास चल रही है ना एक बार कमेंट करो क्लियर है सर हाँ बेटा क्लियर है तुम जिसका रुक गया है, वो एक बार ही अपना चेक करो बाकी सब क्लियर है हाँ चलो देखो यहां देखो जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है नहीं बेटा ये तो नहीं होगा पृथ्वी दिन पृथ्वी ग्रीनविच का मानक समय नहीं देखो पृथ्वी दिन क्या होता है मैं समझाता हूं पृथ्वी दिन पहले मैं पृथ्वी तो ले लू पृथ्वी कहाँ गई यार हमने यहां एक पृथ्वी रखी थी पता नहीं कहां गई हमारी पृथ्वी फिर छोड़ो हाँ मिल गई देखो जैसे मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है और यह है सूर्य ये सूर्य ये पृथ्वी पृथ्वी ऐसे जो चक्कर लगाए ये होता है एक वर्ष एक पृथ्वी वर्ष ध्यान से सुनो जब पृथ्वी यहां है और ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमे और यहां आ जाए इसे बोलते हैं एक पृथ्वी वर्ष आ गई बात समझ में ठीक है लेकिन अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमे गोल गोल लट्टू घुमाए हो ना कभी लट्टू की तरह घूमे तो उसे बोलते हैं बेटा पृथ्वी दिन यानी पृथ्वी दिन क्या होता है जैसे मैं पृथ्वी हूं और मैं ऐसे गोल गोल घूम के गोल गोल के गोल गोल घूम के यहां आ जाऊं वापस जितना मुझे समय लगा इसी को बोला पृथ्वी दिन क्या बोला इसी को बोला पृथ्वी दिन तो पृथ्वी दिन क्या हो गया पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है समझ गए क्लियर चलिए जी बेटा जिसका नहीं चल रहा ना क्लास वो एक बार बाहर जाओ और दोबारा से क्लास में एंट्री करो चल जाएगा चलिए अगला सवाल देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों परिक्रमा करने में लिया गया समय ये पृथ्वी वर्ष कहलाता है ये कहलाता है भैया पृथ्वी वर्ष पृथ्वी वर्ष कहलाता है भाई चलिए अगला सवाल देखिए ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं ग्रहों के चारों ओर कई सारे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं कैसे हैं जैसे ये कोई ग्रह है इसके चारों ओर कुछ इस तरह से छल्ले पड़े नजर आएंगे ऐसे तो कौन से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले मौजूद होते हैं तो अगर बात करें छल्लों की तो देखो ध्यान से सुनो शनि के चारों ओर हैं नेपच्यून के हैं लेकिन मंगल के नहीं है आगे देखो शनि के हैं शुक्र के नहीं है नेपच्यून के हैं शनि के हैं शुक्र के नहीं है मंगल के नहीं है शनि के हैं बृहस्पति के हैं और यूरेनस के हैं बेटा जो बाहर के तीन ग्रह हैं शनि बृहस्पति यूरेनस इन चारों तीनों के चारों ओर ऐसे छल्ले पाए जाते हैं रिंग पाई जाती है अगली बात समझ में तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अगला सवाल देखिए फटाफट से पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को उपसौर कहा जाता है यह स्थिति होती है अब जरा आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे यहां देखो जल्दी से इसे समझाता हूं जैसे देखो ये है अपना सन ये है अपना सूर्य देव है ये ये देव है ध्यान से समझना ये भाई हमारा सन इस सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है अर्थ कौन चक्कर लगा रहा है सर अर्थ चक्कर लगाती है इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यह रही जी आप हमारी प्यारी पृथ्वी इस तरह से ये चक्कर लगा रही है अर्थ तो अर्थ यहां से ऐसे घूम रही है अर्थ कभी तो देखो सूर्य के पास आ गई और कभी सूर्य से दूर चली गई यानी कभी अर्थ सूर्य के पास तो कभी अर्थ आ जाती है सूर्य के दूर इस तरह से अर्थ घूमती रहती है अब ध्यान से सुनो जब अर्थ सूर्य के पास हो और जब अर्थ सूर्य के दूर हो तो बेटा जब सबसे दूर होती है तो यह होती है पंद्रह दशमलव दो एक करोड़ किलोमीटर और भाई जब सबसे पास हो तो होती है चौदह दशमलव सात जीरो करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर चौदह दशमलव सात जीरो करोड़ किलोमीटर ये क्या होती है पास होती है अच्छा सर ठीक है समझ में आ गया अच्छा जब ये पास होती है ना तो इसको बोला बोलते, बोलते हैं उप सौर क्या बोलते हैं उपसौर? उप का मतलब होता है पास किसके पास सूर्य के सौर का मतलब सूर्य तो उप सौर आगे बात समझ में क्लियर उसके बाद जब दूर होती है तो इसे बोलते हैं अपसौर अप मतलब दूर और किससे दूर सूर्य से तो अप सौर इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं हेलिन। हेलिन। और इसको बोलते हैं एपी हेलिन एपी हेलिन अच्छा यह काम कब होता है यह काम कब होता है तो बेटा यह काम होता है जब पास होती है तो पास होती है भाई कब जब पृथ्वी पास होती है तो वो होती है चार जुलाई को नहीं तीन जनवरी को तीन जनवरी को सबसे पास होती है और चार जुलाई को सबसे दूर होती है चार जुलाई को चार जुलाई को पृथ्वी दूर होती है तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है अब पूछा है पृथ्वी पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट की स्थिति को उपसौर कहा जाता है यह स्थिति कब होती है तो भैया सबसे निकट होती है तीन जनवरी देखो ऑप्शन में ये रहा तीन जनवरी चार जुलाई को सबसे पास 21 जून को होती है कर्क रेखा के लंबवत सूर्य की किरणें 21 जून को क्या होता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती सूर्य की किरणें किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती कर्क रेखा के लंबवत के लंबवत होती है कर लंबवत होती, होती। यानी जो सूर्य की किरणें वो कर्क रेखा के लंबवत होती हैं तेईस सितंबर को क्या होता है तेईस सितंबर को भूमध्य रेखा के लंबवत होती है और तेईस सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं दिन रात बराबर सितंबर को क्या होता है भाई दिन रात बराबर होते हैं समझ में आया चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न क्लियर है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा ज्वार भाटा बेटा चार जुलाई को तो सबसे दूर होती है ठीक है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा होता क्या है जिसे इंग्लिश में टाइड एंड नीप बोलते हैं जब समुद्र का पानी ऊपर उठे तो उसे ज्वार यानी टाइड बोलते हैं और जब नीचे गिरे तो उसे नीप यानी भाटा बोलते हैं अब देखो जब वो कह रहा है कि जब सूर्य वो कह रहा है कि जब सूर्य ध्यान से समझना जब सूर्य पृथ्वी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा और भाई चंद्रमा ये समकोणीय स्थिति में हो 90 डिग्री पर हो तो ऐसी स्थिति में आएगा बेटा कौन सा ज्वार ऐसी स्थिति में आपके सामने दीर्घ ज्वार नहीं दैनिक ज्वार नहीं मिश्रित ज्वार नहीं लघु ज्वार यानी कम ऊंचाई तक पानी उठेगा और जब ये तीनों एक सीध में हो एक सीध में यानी जैसे मान के चलो इस तरह से ये तो है ये तो है सूर्य ये है पृथ्वी और यहां आ जाए चंद्रमा ये आए चंद्रमा जब तीनों एक सीध में हो तो ये ज्वार आता है दीर्घ ज्वार तीनों जब एक सीध में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार आता है तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लघु ज्वार है है ना ज्वार भाटा 24 घंटे में दो बार आता है। और जो दूसरा वाला ज्वार आता है वो 26 मिनट देरी से आता है सबसे जो ऊंचा ज्वार आता है वो बे ऑफ फंडी यानी फंडी की खाड़ी कनाडा में आता है भारत का सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट पे आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स दोबारा देखिए क्या देखें बेटा पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट की स्थिति को उपसौर कहते हैं उपसौर की स्थिति कब होती है बेटा तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है बिल्कुल सही है तुम्हारा भगत सिंह तुम्हारा कहने का तात्पर्य यह होगा कि गुरु जी तीन जनवरी को अगर नजदीक होती है तो सर्दी क्यों पड़ती है तुम यही तो कहना चाह रहे हो हे भगत सिंह तुम यही तो कहना चाह रहे हो गुरुजी जी तीन जनवरी को अगर पृथ्वी नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए और पृथ्वी दूर है तो सर्दी होनी चाहिए तो बेटा सुन लो अगर तुम यह बात कहीं पढ़े हो कि जब पृथ्वी दूर सूर्य से होती है तो सर्दी होती है और जब पास होती है तो गर्मी होती है तो बेटा तुम बिल्कुल उल्टा पढ़ गए हो है ना बेटा ऐसा नहीं होता क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है वो डेट है तीन जनवरी और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर है वो डेट है चार जुलाई अब इसमें किसी को कोई शंका हो तो भैया हमसे पूछ किसी को कोई भी शंका समस्या परेशानी हो तो बढ़िया से आप हमें पूछ सकते हो हाँ भाई जल्दी से बताओ फटाफट से यही सोच रहे हो ना तो बेटा ये कैसे होता है पूरा खेल की सर जब दूर है तो आ, होनी चाहिए सर्दी उल्टा गर्मी हो रही है है ना उल्टा गर्मी हो रही है तो ऐसा क्यों है ये बात हम आपको डीपली क्लास में बता चुके ठीक है हाँ यही तो सोचने वाली बात है बेटा यही इसी का नाम तो ज्योग्राफी है ऐसे ही थोड़ी ना है चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा पहला ही चैप्टर है सिक्स क्लास का पहला ही चैप्टर है आगे हाँ जी पेपर टू तो बेटा जब अगर बात करें जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समकोणीय समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो तो कौन सा ज्वार आएगा तब लघु ज्वार आएगा यानी नीचा ज्वार आएगा लो टाइड आएगा ठीक है लो टाइड आएगा ठीक है भाई चलिए जी आगे देखो फटाफट से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है कथन और कारण बेटा अगर सीटेट पेपर टू क्लियर करना है तो आपको ये कथन और कारण आना अनिवार्य है आना ही चाहिए अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं है कैसे सर जी जरा बताइए क्योंकि ऐसे सवालों का वेटेज बहुत बढ़ा दिया है सीटेट ने इवन पेडागोजी में भी ऐसे सवाल रखने लग गए तो देखो क्या है आप ध्यान से सुनो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है इस सवाल में जो पहला है ना असेसन कथन इसमें क्यों लगा दो बस अगर आपने क्यों लगा दिया ना तो समझ लो सवाल आपने कर दिया अगर क्यों का आंसर मिल जाए तो यह सही बात है क्यों का आंसर ना मिले तो गलत बात है देखो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही दिखाई एक ही भाग दिखाई पड़ता है सही बात है सही बात है जब भी हम पृथ्वी से चंद्रमा देखते हैं तो आपको हमेशा चंद्रमा वो धब्बा वाला नजर आएगा वो वास्तव में धब्बा जो है वो धब्बा जो है ना वो एक चंद्रमा के ऊपर लीब्स लीब्स नट नाम का माउंटेन है उसकी परछाई है लेकिन हमारे अगर हम आपने भी कहानी सुनी हो तो दादाजी कहानी सुनाया करते थे कि ये जो चंद्रमा में दाग आ रहा है ना खैर हाँ जो आशिक मिजाज लोग होते हैं वो कहते हैं कि चांद में भी दाग है लेकिन मेरी महबूबा में दाग नहीं है ना आशिक आसि, आशिक मिजाज लोग ऐसे करते हैं वास्तव में जो चंद्रमा का वो धब्बा सा नजर जो आता है हमारे दादाजी हमें ऐसे कहानी सुनाते थे कि एक बार बेटा ऐसा हुआ था कि इंद्रदेव और जो चंद्रमा थे चंद्रमा देवता थे वो एक ऋषि हुआ करते थे नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनके घर में चोरी करने के लिए चले गए रात को वो ऋषि सुबह चार बजे गंगा स्नान करने जाते थे और जो चंद्रमा था उसने उनका मुर्गा बोलता था चार बजे ऋषि का चंद्रमा ने बारह बजे जाके मुर्गे की आवाज़ निकाल दी ऋषि उठे अपना गंगा स्नान के लिए चले गए और पीछे उनके घर में चोरी करने लग गए अब जो चंद्रमा थे वो पहरे दारे, दारी पे थे जब वो ऋषि गंगा में पहुंचे तो गंगा बोली कौन इतना रात में बोला बोले बोले ऋषि माते मैं तो तुम्हारा स्नान करने के लिए डेली आता हूं कि नहीं तुम्हारे साथ धोखा हुआ है वापस जाओ जब वो वापस आए तो देखा उनके घर में चोर घुसे हुए अब उन्होंने जो अपना अंगोछा होता है ना जो पहन के नहाते हैं वो गीला हुआ था पानी में वो फेंक के मार दिया अब चंद्रमा पे दाग आ गया ऐसा कहानी में सुनाते है ना ऐसा कहानी में होता था वास्तव में क्या है वास्तव में चंद्रमा की सतह पे एक माउंटेन है जिसका नाम लीब्सनट है और उसी की परछाई हमें दिखाई देती है अब आ जाओ ऐसा होता क्यों है एक ही भाग क्यों दिखाई देता है एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है चंद्रमा पृथ्वी पर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और इतने लगभग उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है मतलब क्या है कि जितने समय में चंद्रमा यानी लगभग सत्ताईस दिन सात घंटे के आसपास ये वैल्यू है जितने समय में चंद्रमा ऐसे घूमता है ना ऐसे अपनी अक्ष पर उतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, है ना ऐसे करके एक चक्कर लगा लेता है हाँ गौतम ऋषि और इंद्र का स्टोरी है बिल्कुल सही ऐसे चक्कर लगा लेता है चंद्रमा तो ये कारण बिल्कुल सही है इसीलिए हमें इसका केवल एक भाग दिखाई देता है हमने जो अपना चंद्रयान थ्री उतारा था तो वो उस पोल पे उतारा था जो साउथ पोल है जो हमें दिखाई नहीं देता है जहां अंधेरा रहता है हमारे लिए तो क्या होगा ए तथा दोनों सही है आर एक ही सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा बताओ समझ आई बात समझ में आया चलिए आगे बढ़ता बढ़ते हैं फटाफट से ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा हाँ जी उष्ण कटिबंधीय वर्षा अधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है क्यों देखो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय है क्या देखो बेटा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ध्यान से समझना ये अपनी अर्थ है ध्यान से समझिए ये, ये ये अपनी पृथ्वी है इस पृथ्वी के बीचों बीच यहां एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर भूमध्य रेखा यहां एक लाइन है जिसे बोलते हैं साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ जिसे आप कर्क रेखा भी बोलते हो नीचे एक लाइन है साढ़े तेईस डिग्री साउथ इन दोनों लाइनों के बीच में यहां सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं सीधी जब किरणें पड़ती हैं तो यहां से और यहां तक के बीच में मोस्टली गर्मी रहती है और जब गर्मी रहती है तो इस क्षेत्र को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन या हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो ये जो उष्ण कटिबंधीय है ये पूरे वर्ष गर्म रहता है क्यों रहता है क्यों लगा दो इसमें तो पहली बात तो सही है बंदी है वर्ष भर गर्मी पाता है क्यों क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर के ऊपर रहता है यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बना लेता है एक बार वर्ष में बिल्कुल सही बात है इसके अलावा देखो यहां से आगे कभी भी किसी अक्षांश पे सूर्य 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता कर्क रेखा और मकर रेखा से नीचे कभी भी सूर्य 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा केवल यहां तक कर्क रेखा पर लंबत होता है 21 जून को और मकर रेखा पर लंबत होता है 22 दिसंबर को ठीक है उसके बाद ऊपर और नीचे कभी भी लंबत नहीं होता तो यहां बात करें यह भी बात कैसी होगी सत्य होगा और व्याख्या भी सही होगी तो ए और आर दोनों सही है आर एक ही सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर एक सही ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिए विश्ववत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है बिल्कुल सही बात है भाई जो इक्वेटर है ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्यों है इक्वेटर महत्वपूर्ण क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए महत्वपूर्ण है सर क्योंकि ये पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है ये पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है ऊपर वाला गोलार्ध अलग जिसे आप उत्तरी गोलार्ध कहते हो या नदन हेमिसफियर और नीचे वाला गोलार्ध अलग गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध अलग इसीलिए जो इक्वेटर है वो इम्पोर्टेंट है वो महत्वपूर्ण है इसीलिए भैया ये मेरे महत्वपूर्ण है मेरे साथियों इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि विषुवत रेखा इक्वेटर को ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है तो ये भी सही है व्याख्या भी सही है तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है ठीक है आगे देखिए हाँ भैया देखो सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं ऐसे समझिए जैसे हमारा सूर्य है यहां सूर्य ये रहा सन और जैसे जैसे सन से हम आगे गए तो सन के आगे यहां बुद्ध पड़ा भाई सबसे पहले ग्रह कौन सा पड़ा बुद्ध पड़ा उसके आगे गए तो शुक्र पड़ा उसके आगे गए तो शुक्र पड़ा शुक्र से आगे अपना वाला गोला यानी पृथ्वी पृथ्वी आया पृथ्वी से आया लाल ग्रह मंगल आया मंगल मंगल के बाद मंगल के बाद आया भाई कौन सा बृहस्पति सनी ये आया जुपिटर सटन और ये आया कौन सा यूरेनस और ये आया नेपच्यून यही तो है ग्रहों का क्रम है ना तो अब वो पूछ रहा है कि क्या होगा जब हम सूर्य से दूर चलेंगे पहला ग्रहों का आकार क्रम से घटता जाता है बिल्कुल नहीं बेटा देखो ये सबसे बड़ा थोड़ी ना ये तो सबसे छोटा है तो आकार घटता थोड़ी ना है आकार किसी का ज्यादा किसी का कम तो ये तो गलत है सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल के ना 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 बेटा ये जो नजदीक वाले ग्रह है ना ये चार ये चार ये तो चट्टानों के बने हैं किसके चट्टानों के नजदीक के ग्रह चट्टानों के बने हैं और ये बाहर के जो चार ग्रह हैं ये गैसों के बने हैं ये किसके बने हैं भाई ये गैसों के बने हैं तो भैया ये वाली बात तो एकदम गलत है तीसरा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है ये बात बिल्कुल सही है देखो बुद्ध है बुद्ध जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो बस इतनी दूरी चलेगा है ना छोटा रास्ता होगा शुक्र जब चक्कर लगाएगा तो बड़ी दूरी हो जाएगी पृथ्वी जब चक्कर लगाएगी और बड़ी मंगल चक्कर लगाएगा और बड़ा बृहस्पति और बड़ा ये लास्ट वाला और बड़ा चक्कर हो जाएगा यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ग्रह की जो चक्कर लगाने की अवधि है सूर्य के चारों ओर वो बढ़ती चली जाएगी यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी वाला हो जाएगा आगे बात समझ में वो कह रहा है घटती जाएगी जी नहीं बढ़ती जाएगी तो सी ऑप्शन करेक्ट चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से आगे देखिए क्या कह रहा है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षी है समतल की ओर झुकी हुई ना होती देखो जो हमारी पृथ्वी है ना वो ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है बोले सर फिर कैसे है मैंने कहा ऐसे है बोले कितनी ऐसे है मैंने कहा ऐसे पृथ्वी है साढ़े तेईस डिग्री मतलब सीधा ना होकर एक सेकंड भाई हाँ भाई चलिए तो देखो ये पृथ्वी वास्तव में सीधी होनी चाहिए ऐसे सीधी होनी चाहिए थी लेकिन ये ऐसे झुकी हुई है सीधी ना होकर नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऐसे है तो ये जो झुकाव है ना ये कितने का साढ़े तेईस डिग्री का और इसे बोलते हैं टिल्ट एंगल पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या होते है ये अक्षीय झुकाव तो पृथ्वी सीधी नहीं है सीधी नहीं है झुकी हुई है ऐसे सीधी ना होके ऐसे झुकी हुई है तो इस झुके अगर झुकी हुई ना होती सीधी होती तो क्या होता तो क्या होता आइए जानते हैं सबसे पहला काम प्रदीप्त व्रत और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती बिल्कुल सही बात है बेटा ये प्रदीप्त व्रत ये वाला व्रत प्रदीप्त व्रत ये वाला व्रत ये वाला व्रत और देशांतर रेखा एक दूसरे के सीधे आ जाते देशांतर भी ऐसे खिंची हुई है बिल्कुल प्रदीप्त व्रत और अक्षांश रेखा बेटा अक्षांश रेखा तो ऐसे खिंचती है तो ये तो कभी नहीं मिलती ये तो गलत है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता बिल्कुल सही है बेटा अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती ना तो ये जो आज आप कभी बारिश देखते हो कभी आप जो है क्या देखते हो कभी आप सर्दी देखते हो कभी गर्मी देखते हो बसंत देखते हो ये ऋतु परिवर्तन नहीं होता अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होते नहीं ए और सी सही है और ए और सी का मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला तीसरा वाला सही ठीक है सी वाला सही है तीसरा वाला क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला सवाल सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है अपसौर या एपी हेलिन पैरीहेलिन नहीं एप्पी हेलिन यहां आएगा पेरीहेलिन ठीक है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है और कितनी होती है ये पंद्रह दशमलव दो एक करोड़ किलोमीटर और यह कब होती है यह होती है भाई कब सबसे दूर चार जुलाई को चार जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है और उपसौर कब होती है यह होती है उपसौर होती है भाई कि तीन जनवरी को सबसे पास होती है जिसे हम बोलते हैं उपसौर या पेरी हेलिन ठीक है तो सी राइट आंसर होगा अगला सवाल देखिए आकाश में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है देखो ध्यान से सुनो खगोलीय पिंड जो आकाश में चमकते हैं आपको उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं उनके बारे में कौन से कथन सही है पहला हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी नहीं गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर है देखो हमको रात में आकाश में टिमटिमाते तारे तो दिखते हैं लेकिन क्या उनका प्रकाश हम तक आता है नहीं क्या उनकी गर्मी हम तक आती है नहीं क्यों क्योंकि वो बहुत दूर है यार है ना क्या है बहुत दूर है सही बात है अगला

अरसा मेजर अगर आपने देखा हो तो यहां देखो अड़सा मेजर आप जब आसमान में रात को साफ आसमान हो इसे मैं थोड़ा समझाता हूं रात को आसमान साफ हो तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देगी एक सेकेंड यहां देखो जब आसमान साफ हो तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है कैसी देखो ये, 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 ये संरचना आपको ये सात तारे नजर आ रहे होंगे सात तारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात तारे नजर आ रहे हैं इन सात तारों का जो ग्रुप है ना इसे बोलते हैं सप्तऋषि तारा मंडल आपको आसमान में जब आसमान साफ हो तो रात के समय ये तारे अक्सर दिखाई देते हैं जिसे हम सप्तऋषि तारा मंडल के नाम से जानते हैं अब मान के चलो आप यहां खड़े हुए हो आप यहां खड़े हुए हो और जब आप सप्तऋषि के इन पहले दोनों तारों से होते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं यहां से एक काल्पनिक रेखा आपने खींची ये रेखा आपको जिस तारे पर जाकर मिले यही तारा बालक ध्रुव तारा कहलाता है यही जो तारा है ना यही कहलाता है ध्रुव तारा या पोल स्टार इसी को हम बोलते हैं क्या ध्रुव तारा ध्रुव तारा या पोल स्टार पोल स्टार और यह जो पोल स्टार है हमेशा उत्तर दिशा को बताता है या इंडिकेट इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा को बताता है उत्तर दिशा को बताता है उत्तर दिशा को बताता है कौन सा तारा समझ में आया क्लियर हुई कहानी समझ में आ रहा है बढ़िया से चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी सारी कहानी चलिए अगला देखिए फटाफट से अगला क्या है निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, नहीं? कौन से ग्रह गैसीय ग्रह है तो मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया जो बाहर के चार ग्रह हैं ना कौन से बाहर के चार ग्रह लास्ट से चार हैं कौन कौन से हैं कौन कौन से लास्ट से चार ग्रह है? है, तो है ना वो सब कौन कौन से है बृहस्पति है शनि है यूरेनस है नेपच्यून है तो ये सारे के सारे चारों ग्रेसीय ग्रह हैं इनमें मंगल नहीं है पृथ्वी नहीं है इधर बात करूं तो शुक्र नहीं है मंगल नहीं है इधर बात करूं तो मंगल नहीं है तो ठीक है बाकी सब गलत ए वाला सही हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के द्रव्यमान के घटते क्रम को दर्शाता है यानी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है उससे कम किसका, उससे कम कम किसका किसका उससे कम किसका तो आइए देखिए मैं आपको यहां बताता हूं देखो सबसे पहले अपन सभी के सभी ग्रहों को यहां बना लेते हैं है ना सभी ग्रहों को हम यहां बना लेते हैं देखो पहले अगर बात करूं तो लाइन से बना रहा हूं मैं क्रम से ग्रह को बना रहा हूं ठीक है यहां बना लेते हैं देखो सबसे पहले है बुद्ध ठीक है बुद्ध के बाद है कौन सा ये तो आपको पता ही होगा बुद्ध के बाद है शुक्र शुक्र के बाद है कौन सा पृथ्वी 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 के बाद कौन सा है मंगल 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 के बाद कौन सा है सर मंगल के बाद है बृहस्पति बृहस्पति के बाद कौन सा है बृहस्पति के बाद है सर शनि और शनि के बाद कौन सा है सनी के बाद है सर अरुण और उसके बाद कौन सा है बोले सर उसके बाद है वरुण तो इस तरह से कुछ ग्रह है देखो तो आकार की बात करें तो आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है ध्यान से सुनो अभी हाँ। आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति सबसे बड़ा दूसरे नंबर का है शनि सेटर्न तीसरे नंबर का है अरुण चौथे नंबर का है वरुण पांचवें नंबर का है पृथ्वी छहवें नंबर का है शुक्र सातवें नंबर का है आपका कौन सा मंगल और सबसे छोटा है बुध तो हमें पूछा है घटता हुआ क्रम तो देखो सबसे बड़ा कौन सा बृहस्पति उसके बाद शनि आना चाहिए यहां नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है तो राइट आंसर ये होगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण उसके बाद पृथ्वी शुक्र मंगल बुद्ध ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहां डी राइट आंसर हो जाना है ठीक है भाई चलिए अगला सवाल देखिए किस कारण से बुद्ध पर ग्रहण नहीं लगता है हां भाई बुद्ध पर ग्रहण क्यों नहीं लगता जल्दी से बताइए बुद्ध पर ग्रहण क्यों नहीं लगता देखो बुद्ध पर ग्रहण ना लगने का कारण बुद्ध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है इसलिए नहीं लगता नहीं बुद्ध ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ नहीं है इसलिए नहीं लगता नहीं बुद्ध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है इसलिए नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं देखो इस पर ग्रहण क्यों नहीं लगता इसलिए नहीं लगता बेटा कि इसके अगर बुद्ध की बात करें तो बेटा बुद्ध जो है ना उसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुद्ध का कोई भी उपग्रह नहीं है इसीलिए पर ग्रहण नहीं लगता पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भाई ग्रहण कब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है ऐसे बुद्ध और सूर्य के बीच में आने के लिए कुछ है ही नहीं जब कुछ है नहीं तो ग्रहण नहीं लगता ठीक है तो राइट आंसर टी वाला होगा अगला सवाल देखिए फटाफट से अगला कह रहा है शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व असंभव है यानी शुक्र ग्रह पर मानव का जीवन असंभव है सही बात है बिल्कुल सही बात है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का जीवन असंभव है क्यों असंभव है क्यों का अगर जवाब यहां होगा के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक उच्च स्तर है बिल्कुल सही बात है, बेटा शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है कितनी है अगर मैं सीओ टू की बात करूं तो लगभग छियानवे परसेंट से ज्यादा सीओ टू है इसी के कारण यहाँ का तापमान लगभग 462 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है लगभग शुक्र का तापमान तो इतने तापमान में क्या जीवन संभव है नहीं तो यहां राइट आंसर क्या होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है ए तथा आर सही है आर ए का कारण है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से अगला सवाल क्या कह रहा है क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए क्षुद्र ग्रह क्या है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलवे हैं सही बात है भाई सूर्य की परिक्रमा करते हैं देखो सबसे स्टार्टिंग में ही बताए थे मैंने क्षुद्र ग्रह देखो दिखाता हूं सबसे पहले देखो ये ये रहे ये देखो विभिन्न आकार के ये रहे ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है ना आपको मोटी सी ये क्षुद्र ग्रह की तो बेल्ट ही है ये वाली क्षुद्र ग्रह पेटी ही तो है ये सूर्य के परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलवे हैं बिल्कुल सही बात है उसके बाद क्या कह रहा है देखिए अधिकांश क्षुद्र ग्रह अधिकांश क्षुद्र ग्रह होते हैं, छोटे होते हैं होते हैं मतलब कैसे छोटे होते हैं ज्यादातर ये छोटे होते हैं लेकिन कुछ का व्यास 100 किलोमीटर जितना बड़ा होता है बिल्कुल सही बात है कुछ का व्यास 100 किलोमीटर जितना बड़ा हो जाता है ये भी सही है क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के बीच है बस ये गलत है बेटा क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि के बीच नहीं किस किसके बीच होते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच या मंगल और बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह तो बेटा ये वाला हो जाएगा गलत तो पहला कौन सा सही है पहला और दूसरा सही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ठीक है सोलवे की कह रहे हैं बच्चे की सर सोलवा बता दो सोलवे में क्या बताऊं यार अरे सोल में मैं कह रहा है वो कि द्रव्यमान के घटते क्रम में लिखिए यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है उससे छोटा कौन सा है उससे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे बड़ा देखो बृहस्पति है ये जुपिटर है जुपिटर ये सैट्रन है ये यूरेनस है ये नेपच्यून है ये आपका अर्थ है ये आपका वीनस है ये आपका मार्स है और ये आपका मरकरी है बुद्ध है मरकरी बुद्ध है अरे तुम्हें तो ग्रहों का क्रम नहीं पता क्या वही लिखाया हूं चलो आगे आ जाओ फटाफट से चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट से अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल के संदर्भ में सही है इनमें से सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा सही है तो देखिए फटाफट से पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घनी है डेंस मतलब जो पृथ्वी की जो सरफेस है ना जो मिट्टी है वो सबसे पास पास है सबसे एकदम पास पास है अगला बी पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है नहीं बेटा प्रमुख जो तत्व है वो आयरन और निकल है सूर्य सूर्य में सौर मंडल के द्रव्यमान का लगभग पिछहत्तर परसेंट बेटा 75 परसेंट नहीं है 99 नाइन परसेंट यानी जो पूरा सौर मंडल है ना उस सौर मंडल का अकेला सूर्य 99% परसेंट है और बाकी एक परसेंट में सारे ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह सब कुछ है आगे बात समझ में आगे देखिए फटाफट से सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के 190 गुना है नहीं बेटा 109 गुना है 190 गुना नहीं है 109 गुना है सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के तो यह भी गलत यह भी गलत बस ये वाला सही हो जाएगा कि पृथ्वी सबसे ज्यादा घनी है ये सही होगा ठीक है अगला सवाल देखिए फटाफट वन एस्ट्रोनॉमिकल औसत दूरी है हाँ भाई वन एस्ट्रोनॉमिकल औसत दूरी क्या है जल्दी बताइए वन एस्ट्रोनॉमिकल औसत दूरी क्या है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी वन एस्ट्रोनॉमिकल दूरी क्या होती है तो भाई वन एस्ट्रोनॉमिकल दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ठीक है अगला सवाल देखिए आकार में सौर मंडल के चार सबसे बड़े ग्रह ग्रह हैं आकार में सौरमंडल के चार सबसे बड़े ग्रह जल्दी से बताइए फटाफट से आकार में सौर मंडल के चार सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं जल्दी से बताइए आपके सामने ऑप्शन है यह सवाल का आंसर आपको घर से करके लाना है अर्थात जब ये क्लास अब खत्म होगी तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ठीक है ये आपके लिए एच डब्ल्यू है होमवर्क है आपकी आपके लिए तो इस सवाल का आंसर आप जरूर घर से करके लाएं, अर्थात क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में पिन कर दें अब आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना सूचना क्या है सूचना है भाई अगर आप देखो मैं ये नहीं कहता कि भैया इससे पूरा हो जाएगा ये यूट्यूब की क्लासेस प्रैक्टिस चल रही है इससे बहुत सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी लेकिन मैं ये नहीं कहता हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो जाएगा नहीं अगर आप हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट करना चाहते हो क्योंकि यार यूट्यूब पर कोई भी वो कोई मतलब नहीं होता यार ऐप पर भी वही पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर भी वही पढ़ा रहे हो फिर यार ऐप का मतलब ही क्या हुआ कोई मतलब नहीं होता तो भाई यूट्यूब पर कोई भी हो कोर्स पूरा तो नहीं होने वाला आपका हाँ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो भैया हमारे साथ आप सीटेट के बैच में जुड़ सकते हो ये जो सीटेट का बैच है सीटेट बैच जुलाई दो के लिए बैच है और ये बैच आपके लिए ऑफर पर अभी चल रहा है यदि आप केवल पेपर वन लेते हो तो ये आपको अभी के लिए नौ सौ रुपए में पेपर टू लेते हो तो नौ सौ में और अगर दोनों पेपर लेते हो तो ग्यारह सौ में आपको मिल जाएंगे है ना लेकिन डिस्काउंट इसमें मिलेगा क्या क्या आपको लाइव क्लास मिलेगी सीटेट मॉक टेस्ट मिलेगा डाउट क्लास मिलेगा और बायल बैच होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसे यहां पढ़ाया है मैंने सीटेट नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी सीटेट बुक भी आपको यहां पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली है पी वाई क्यू और एनसीआरटी यहां पढ़ाई जाने वाली है अब बात आती है बिल्कुल आएगा बेटा बात आती है सर क्या इसके अलावा मार्केट से कुछ खरीदना है मैं कहूंगा नो no. इसके अलावा आपको एक रुपये का कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है चाहे मॉक टेस्ट हो हम देंगे बुक प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ हमारा होगा आपको कुछ भी नहीं देना है ठीक है अब यह ऑफर जो है आज रात देखो ऑफर जो 300 का डिस्काउंट है वो आज रात पांच अप्रैल है आज और आज रात बारह बजे तक ही है कितने बजे तक 12 बजे तक है अगर आप 12 बजे तक परचेज करते हो तो आपको ये 300 का डिस्काउंट मिलेगा अदरवाइज 12 बजे के बाद यानी कल अगर आप परचेज करते हो तो कल आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो अभी कितना बजा है यानी अभी आपके पास लगभग दो घंटे आठ मिनट का समय है तो जल्दी जाइए और फटाफट से बैच ज्वाइन करिए बाकी आपकी चॉइस है कैसा आप करते हैं ये नहीं कहता भैया करना अच्छा लगे डेमो अच्छा लगा हो आप आइए मोस्ट वेलकम है आपका आपको लग रहा है हाँ भैया देखो ये इतनी बात गारंटी है कि जब आप यहां आओगे ना तो आप ना सीटेट में नब्बे का टारगेट हम लेते ही नहीं है हम 120 प्लस की बात करते हैं तो आप 120 प्लस लेके आओगे ठीक है चलिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा यहां आप मैसेज कर सकते हैं ठीक है इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए आज की क्लास यहीं रखते हैं मिलते हैं अब आप आपसे अगली क्लास में कल मिलेंगे इसी समय पे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार सभी बेटा जिन्होंने पुराना बैच ले लिया है उनको नया बैच लेने की आवश्यकता नहीं है और इसकी वैलिडिटी एक साल तक रहेगी यानी अगर आज आप ज्वाइन करते हो ना आज कितना तारीख है आज आपकी तारीख है कितनी आज है तारीख पांच अप्रैल तो अगले साल पांच अप्रैल दो तक इसकी वैलिडिटी रहेगी एक साल वैलिड रहेगा ये आपको दो मतलब दो बार जैसे आप ये पेपर अगला पेपर आप, या, आप जैसे मान के चलिए आप जुलाई वाला दे लें फिर दिसंबर जनवरी वाला आएगा तो उसमें आपका कोई भाई बहन आपके फैमिली यार दोस्त कोई भी करना चाहे तो वो उससे कर सकता है दो का फायदा हो जाएगा बेटा आपको ठीक है चलिए ठीक है बेटा पुराने बैच वालों को लेने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट टेक केयर टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत